हेलो बच्चों, आज हम लोग पुनः इस सेशन में बचे हुए जितने भी प्रोज के चैप्टर हैं उसका हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ना सॉल्व करेंगे। तो हमने कल आपको बताया था 8 चैप्टर तक हाउ फ्रीज द प्रेस तक मैंने कल प्रैक्टिस करवाया था आपको। आज हम लोग 9th चैप्टर जो अर्थ है एचीबेट्स का लिखा हुआ ये स्टोरी यहां से हम लोग शुरू करेंगे। ध्यान से केवल आप लोग देखते चलिएगा, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं, स्थिर से केवल वीडियो देखते चलिए, आपके दिमाग में ये बातें आ जाएगी। देखा हुआ रहेगा ना तो वहां पे ऑप्शन देखते के साथ याद आएगा, इसलिए केवल स्थिर से देखिए, बाकी तो पढ़ा हुआ है आपका। आइए बच्चे, पहले है ना एचीवेट्स के बारे में थोड़ा परिचय करवा दूं आपको और इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन भी देख लेंगे। आइए, हमारा 9th चैप्टर है बच्चे दी अर्थ है ना, ये धरती की जमीन की बात हो रही है ना। एचीवेट्स के द्वारा ये लिखा हुआ है, एचीवेट्स है ना, इनका पूरा नाम है हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स है ना। आइए इनके बारे में थोड़ा परिचय आपको देता हूं। दिस शॉर्ट स्टोरी हैज बीन रिटन बाय वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। करे यह जो लघु कहानी है इसकी रचना जाने माने उपन्यासकारक शॉर्ट स्टोरी राइटर लघु कहानी कारक हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स ने किया है ना, जिन्हें लोग शॉर्ट में क्या बोलते थे, एची बेट्स। हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स को ही क्या बोलते थे, एची बेट्स। ही वाज बोर्न एट नॉर्थम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड ऑन 16 मई 1905। एची बेट्स साहब का जन्म सेंट्रल इंग्लैंड मध्य इंग्लैंड में नॉर्थम्पटन नामक स्थान पर 16 मई 1905 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था बच्चे। 16 मई 1905 ईस्वी को है ना सेंट्रल इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन नामक जगह पर एचीवेट साहब का जन्म हुआ था। ये एक उपन्यास कारक लघु कहानी कारक है ना के रूप में जाने जाते थे। इनका जन्म 16 मई 1905 को है ना इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में हुआ था। आइए इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। ही वाज वेल एक्वेंटेड विद इंग्लिश कंट्री साइड स्पेशली द पीजेंट्स। पीजेंट मतलब होता है क्या, किसान है ना। वे भली भांति है ना इंग्लैंड के जो गांव था जिसको देहात बोलते हैं, गांव से बड़ा भली भांति वो परिचित थे और खास करके उन गांव में रहने वाले किसानों से बहुत अच्छे से इनका परिचय था। He worked sometimes as a reporter after leaving school. शुरुआती जीवन के शुरुआती दौर में जब इन्होंने स्कूल छोड़ा था तो ये पहले कुछ समय तक रिपोर्टर के रूप में काम किया था, एक पत्रकार के रूप में काम किया था मेरे बच्चे। When he was only 21 years old, जब ये मात्र 21 साल के थे, कौन, एचीवेट साहब, तो his first novel was published, तो इनका पहला जो नॉवेल था वो पब्लिश हुआ था। पूछेगा कि इनका फर्स्ट नॉवेल कब पब्लिश हुआ था है ना, तो जब ये 21 साल के थे, जब ये मात्र 21 साल के थे तो इनका फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड हो गया था और उस नोवेल का नाम था टू सिस्टर्स। पूछेगा इनका फर्स्ट नोवेल का नाम क्या है ना, तो टू सिस्टर्स था, इनके फर्स्ट नोवेल का नाम टू सिस्टर्स। ही रोट मेनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इन द रॉयल एयरफोर्स। देखिए क्या कर रहे हैं कि हमारे जो लेखक है एचीवेट साहब, ये एयरफोर्स के अनुभव के आधार पर एयरमैन के बारे में और उनके साहसिक कारनामों के बारे में छोटी छोटी कहानियां लिखा करते थे। एयरफोर्स के अनुभव के आधार पर
एयरफोर्स के अनुभव के आधार पर, है ना, ये एयरमैन के बारे में और साथ ही साथ उसके साहसिक एडवेंचर, उसके साहसिक कारनामों के बारे में लघु कहानियां लिखा करते थे। क्लियर बच्चे? जब ये स्कूल छोड़ दिए थे तो कुछ दिनों तक पत्रकार का काम किए, है ना, क्योंकि एयरफोर्स का इनके पास अनुभव था तो एयरमैन और उनके साहसिक कारनामों के बारे में कहानियां लिखते थे। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर, ध्यान देंगे बच्चे, फेयर स्टूड इन विंड फॉर फ्रांस, फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, द जकरांडा ट्री, द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मै, द पर्पल प्लेन, द स्कारलेट सोर्ड, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। ही डाइड एट, है ना, कैंटरबरी, इनकी इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, तो कैंटरबरी में, यूनाइटेड किंगडम, है ना, 29 जनवरी 1974 को, है ना, 29 जनवरी 1974 को, है ना, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में ही, यूएस रहेगा तो क्या समझना, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, और यूके रहेगा तो क्या समझना, इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड, और यूएस रहेगा तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। तो इनकी मृत्यु जो थी वो कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड के कैंटरबरी नामक स्थान पर 29 जनवरी 1974 को हुई थी, 29 जनवरी 1974 को हुई थी। क्लियर है बच्चे? 29 जनवरी 1974 को हुई थी। आइए बच्चे इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग भी साथ साथ जवाब देते चलना। आइए पहला सवाल आपके सामने है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज द अर्थ, कर अर्थ जो है, दी अर्थ जो है वो किस प्रकार की रचना है चिबेट साहब का, क्या ये स्पीच है, एसे है, शॉर्ट स्टोरी है, ट्रेवल व्यू है? मेरे बच्चे जल्दी से जवाब देंगे, ये है क्या? अभी अभी मैंने बताया बच्चे ये तो स्पीच है नहीं, ऐसे है नहीं, ये तो एक लघु कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, है ना, इसलिए सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चे Who was written the earth? Who was written the earth? किसने the earth की रचना की? जल्दी बोलेंगे बच्चे, किसने the earth नामक कहानी की रचना की? क्या सीगा नोया? बिल्कुल नहीं। परलेसपक? बिल्कुल नहीं, है ना, सीगा नोया तो the artist लिखे थे, है ना। क्या ये H.E. Waits? बिल्कुल सही, H.E. Waits ने ही ये the artist नामक ना लघु कहानी की रचना किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन तो क्या लिखे थे, भारत इज माय होम। इन दिस स्टोरी द राइटर टॉकिंग अबाउट, इस कहानी में लेखक किसके बारे में बात करते हैं मेरे बच्चे? तो क्या कनिंगनेस ऑफ ए पेरेंट, है ना, पेरेंट, पेरेंट मतलब माता पिता में से कोई एक की चालाकी की बात हो रही है, क्या बेटा के लेजीनेस की बात हो रही, आलसीपन की बात हो रही, या द लेजीनेस ऑफ फादर, है ना, एंड द कनिंगनेस ऑफ सन, ने पिताजी की आलसपन की बात हो रही है और बेटे के, है ना, चालाकी की बात हो रही। बिल्कुल सही, यही यहाँ होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। इस कहानी में जो पिता थे वो एक किसान थे, लेकिन वो आलसी थे, हमेशा काम से ज्यादा, मेहनत से ज्यादा भगवान पर भरोसा करते थे, और पुत्र जो था वो था मंद बुद्धि का, लेकिन बाद में बहुत धूर्त हो गया था, बहुत ज्यादा चलाक हो गया था। आइए बच्चे, बोलेंगे बच्चे, हु वाज बेंजी, कौन था
ए मैन ऑफ हेन सन ऑफ जॉनसन ए सिंपल माइंडेड बॉय ऑल ऑफ एवर। मेरे बच्चे ये मुर्गियों वाला आदमी तो था ही, जॉनसन का बेटा भी था, एक सिंपल माइंडेड बॉय भी था, है ना, मंदबुद्धि का लड़का भी था। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ऑल द एबव, इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नोट द पजेशन ऑफ जॉनसन, इनमें से कौन ऐसी चीजें हैं जिस पर जॉनसन का अधिकार नहीं था, है ना, बताएंगे। प्लाउज था, बिल्कुल था, जॉनसन के पास तो एक हल था ही। बुन्नी ब्राउन मेयर भी था, है ना, ए टू व्हील कार्ट भी था, दो चक्के की गाड़ी भी थी, क्या किस पर अधिकार उनका नहीं था, तो टीचर पर। यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, टीचर, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नोट द पोजेशन ऑफ जॉनसन, किस पर जॉनसन का अधिकार नहीं था, तो शिक्षक पर। एच ई वेट्स वाज बोर्न इन डैश इंग्लैंड नॉर्थम्पटन, है ना, यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, है ना, लिवरपूल। अब बताइए बच्चे, मैंने अभी अभी बताया था नॉर्थम्पटन में इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चे, नॉर्थम्पटन, है ना, नॉर्थम्पटन में इनका जन्म हुआ था एच ई वेट साहब का। नेक्स्ट बोलेंगे मेरे बच्चे, जल्दी से जवाब देंगे। नेक्स्ट आप क्या कह रहा है कि जॉनसन बाज ए डैश बाई प्रोफेशन, जॉनसन पेशे से क्या था, क्या एक डॉक्टर था, बिल्कुल नहीं, टीचर था, बिल्कुल नहीं, फार्मर था, बिल्कुल, ये किसान ही था जॉनसन, मैजिशियन जादूगर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंजी बाज डैश अ गाय, सिंपल माइंडेड गाय, कनिंग, सेल्फिश, ऑल था बच्चे, ये सेल्फिश मतलबी भी था, चलाक भी था, और सिंपल माइंडेड सरल दिमाग वाला भी था, यानी आंसर हो जाएगा ऑल। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जॉनसन बाज आल्सो डैश, जॉनसन क्या था, जॉनसन बाज किसान तो था ही, एक प्रेचर भी था, प्रेचर मतलब होता है उपदेशक, किसान के साथ साथ एक उपदेशक था, जॉनसन क्या था बच्चे, किसान के साथ साथ एक उपदेशक था। फिर अगला सवाल पे आइए, कह रहा है बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, कितने वर्ष की अवस्था में बेंजी स्कूल छोड़ा था, क्या 12 वर्ष की अवस्था में, बिल्कुल नहीं, 13 वर्ष की अवस्था में, बिल्कुल गलत, 14, बिल्कुल सही बच्चे, 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। आइए बच्चे नेक्स्ट सवाल हम लोग देखें, करे वेयर डिड बेंजीज पेरेंट्स टुक बेंजी, बेंजी के पेरेंट्स बेंजी को कहां ले गए थे, तो बच्चे इनके माता पिता को लगा कि इतनी उम्र हो गई है, अभी भी ये ना बच्चों जैसा हरकत करता है, इनको बहुत चिंता हुई इनके माता पिता को, और ये डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए ले गए, डॉक्टर के पास ले जाते हैं ये, है ना, तो टू ए डॉक्टर, यहाँ आंसर हो जाएगा सी, कि बेंजीज पेरेंट्स टुक बेंजी टू अ डॉक्टर। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस बेंजीज पेरेंट्स रिगार्ड्स बेंजी, बेंजी के संदर्भ में डॉक्टर ने इनके माता पिता को क्या सलाह दिया था, तो सलाह दिया था कि आप जमीन वाले आदमी हैं और आपके पास जमीन की कमी नहीं, तो इसको कोई रोजगार दे दीजिए, कोई काम करा दीजिए, और ज्यादा अच्छा होगा इसे मुर्गी पालन शुरू करवा दीजिए। तो टू वर्क एट फील्ड, बिल्कुल नहीं, टू स्टार्ट से बुक स्टॉप, ये भी नहीं, बुक शॉप नहीं, ये किताब का दुकान खोलने के लिए नहीं कहा था, न खेलने कहा था, टू टेक केयर ऑफ स्टडी, पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए भी नहीं कहा था, उन्होंने सलाह दिया था इनके माता पिता को टू स्टार्ट ए पोल्ट्री, है ना, तो इसे मुर्गी फार्म शुरू करवा दीजिए, मुर्गी पालन शुरू करवा दीजिए, क्लियर। आइए बच्चे 13 नंबर देखते, बेंजीज सिंप्लिसिटी ग्रेजुअली टर्न्ड टू हैव बिकम, बेंजी की जो सरलता था धीरे धीरे किसमें बदलते चला गया, कनिंगनेस में बदल गया, है ना, कनिंगनेस में बदल गया था, धीरे धीरे चलाक हो गया था ये। When बेंजी बाज 21, जब बेंजी 21 साल का था, his father handed him a passbook, इनके पिता ने इसे क्या किया था, पासबुक दिया था। जब छोटा था बेंजी, पैसा कमा के देता था, तो माता पिता उस पैसे को बड़े ही सुरक्षित रखते थे, और जब
माता पिता ने कह दिया था कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो मैं ये पैसा तुम्हें दे दूंगा, इस पर तुम्हारा हक हो जाएगा, है ना। तो पैसे इतना ज्यादा आने लगे, पहले वो कटोरा में रखता था, बाद में उस कटोरे में पैसा नहीं एडजस्ट हो पाया तो उसको सीधा बैंक भेजने लगे ये लोग। तो जब 21 साल का बेंजी हो गया तो बैंक से पासबुक ले आए, है ना, खाता खुलता है तो वहां से पासबुक मिलता है, और उसके बाद बेंजी के हाथों में ये पासबुक दे दिया था। तो वेन बेंजी, जब बेंजी 21 साल का वो उनके पाता उस उनके पिता ने उनके हाथ में क्या थमाया, तो पासबुक दिया था। मेरे बच्चे बेंजी बाज बाउट द हाउस फ्रॉम, बताइए बेंजी बाज बाउट द हाउस फ्रॉम, बेंजी उस घर को किससे खरीदा था, बेंजी किससे खरीदा था वो घर, जिस घर में माता पिता रहते थे वो घर उनके माता पिता का नहीं था, वो सालाना किराए पर, है ना, सालाना किराए पर लिया हुआ घर था। तो पूछ रहा है कि वो जब वो मालिक बेचने लगा इस घर को तो इनके माता पिता बहुत निराश हुए, और बाद में फिर, है ना, खुद बेंजी ने उस घर को खरीद लिया, क्योंकि बेंजी के पास काफी पैसा था तो बेंजी ने ही उस घर को खरीद लिया। तो पूछ रहा है बेंजी बाज बाउट द हाउस, बेंजी ने उस घर को खरीदा तो किससे खरीदा, ये पूछ रहा है कि बेंजी आखिर ये खरीदा किससे, है ना, बेंजी आखिर ये किससे खरीदा, जल्दी जवाब देंगे। बेंजी किससे खरीदा, आपको याद होगा बच्चे सैंडर्स नामक व्यक्ति की चर्चा वहां हुई थी, तो उस सैंडर्स नामक व्यक्ति से खरीदा था, इसी का वो घर था, इसी का वो जमीन था। हु वाज फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कौन थी, बेंजीज क्लासमेट, मेड ऑफ बेंजीज चिकन हाउस, बिल्कुल सही, बेंजी के मुर्गी के घर में नौकरानी थी, मुर्गियों का देखभाल करने के लिए फ्लोरेंस को नियुक्त किया गया था वहां, है ना, काम पर रखा गया था। आइए बच्चे 17 देखते हैं, करेक्ट, टू हूम डिड बेंजी मैरी, तो बेंजी किससे शादी किया था, क्या सोफिया से किया था, नहीं, मार्ले से किया था, नहीं, डेनिया से किया था, नहीं, फ्लोरेंस से किया था। किससे किया था बच्चे, फ्लोरेंस, जो एकदम मोटी थी, है ना, जिनके होठ लटके हुए थे और हमेशा बकर बकर करते रहती थी, कभी मुंह बंद नहीं होता था, है ना, उस फ्लोरेंस से इन्होंने शादी किया था। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज, बेंजी के माता पिता फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे, उसका क्या कारण था, क्यों पसंद नहीं करते थे, क्या वो ब्लाइंड थी, नहीं बच्चे ब्लाइंड तो नहीं थी, क्या वो गरीब थी, बिल्कुल नहीं, है ना। आगे देखिए सीबा जागली, बिल्कुल सही, यही सटीक जवाब है मेरे बच्चे, सीबा जागली वो क्रूर थी, वो सुंदर नहीं थी। 1 acre इज इक्वल टू डैश स्क्वायर फीट, मेरे बच्चे 1 acre इंटू, है ना, ये आपका हो जाएगा 1 acre इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट, है ना। 1 acre इज इक्वल टू पूछ रहा है कि 1 acre में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो 43,560 स्क्वायर फीट, है ना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए पीपल बाय एंड सेल शेयर्स इन कॉमर्शियल फार्म इज कॉल्ड, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को कॉमर्शियल फॉर्म से खरीदता है और बेचता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको शेयर बाजार कहते हैं, यानी स्टॉक मार्केट कहते हैं, स्टॉक मार्केट कहते हैं, यानी ए इज द राइट आंसर। वेयर डिड बेंजी फाइनली लेफ्ट हिज पेरेंट्स, है ना, बेंजी जो है अपने माता पिता को कहां जाकर अंततः छोड़ देता है, क्या जंगल में छोड़ता है, बिल्कुल नहीं, क्या पुराने वाले घर में छोड़ता है, बिल्कुल नहीं, क्या किसी अनजान गांव में, बिल्कुल नहीं, ऑन ए स्ट्रेंज पेवमेंट, अनजान फुटपाथ पर छोड़ देता है, कहां छोड़ देता है बच्चे, अनजान फुटपाथ पर ले जाकर बेंजी माता पिता को छोड़ देता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चे बताएंगे आप लोग 22, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स, बेंजी ने अपने माता पिता से, है ना, कहा टू ईट इन द, कहां खाने के लिए कहा, बेंजी ने अपने माता पिता को कहा कि आप लोग को खाना अब मेरे साथ नहीं खाना है, तो कहां खाना है, कहां की चर्चा किया था, क्या कहा था, किचन में खाना है, बाथरूम में खाना है, ड्राइंग रूम में खाना है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताएंगे मेरे बच्चे।
किचन में बोला था खाने, रसोई घर में बोला था खाने के लिए कि आप दोनों अब रसोई घर में खाएंगे, हम दोनों अपने बेडरूम में खाएंगे। इस तरह से लड़ाई नहीं होगी आपस में। एची बेट्स फर्स्ट नोबेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज वन दिखे। अभी मैं परिचय करवा रहा था तो उसमें चर्चा हो रहा था एची बेट्स का पहला नोबेल तब पब्लिश हुआ था जब वो मात्र कितने साल का था, तो 21 साल का था मेरे बच्चे। कितने साल का? 21 साल का। एची बेट्स फर्स्ट नोबेल, एची बेट्स का प्रथम उपन्यास पब्लिश हुआ था व्हेन ही वाज ओनली, जब वह केवल 21 साल का था। कितने बच्चे? 21 साल का। व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड, जब वह स्कूल छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? बेंजी जब स्कूल छोड़ दिया तो ही हैड, तब उस समय कितने मुर्गी के पास थे? 40 और 50 हेंस, 60 और 70 हेन, 30 और 40 हेंस। बच्चे 40 टू 50 हेन इसके पास थे, 40 से 50 मुर्गियां थी उस समय बेंजी के पास। क्या था? 40 से 50 मुर्गियां थी बेंजी के पास, 40 से 50 मुर्गियां थी बेंजी के पास। अगला सवाल देखिएगा, हिज हेन वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, है ना, इनकी जो मुर्गियां थी वो एवरेज औसतन कितने अंडे, है ना, देती थी, तो वो औसतन 200 अंडे की बात हुई थी हमारे कहानी में। 200 अंडे की बात हुई थी कि औसतन वो 200 अंडे देती थी। आई बेंजीज फादर ऑलवेज वैल्यूड, बेंजी फादर हमेशा किसको महत्व देते थे? क्या मेहनत यानी पसीना? नहीं, फेट भाग को देते थे। बिल्कुल सही, भाग्य पर वो विश्वास केवल करते थे, मेहनत पर नहीं करते थे। बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर सेरेमनी, बेंजी के माता पिता ने एक जलसा का आयोजन किया। कब? व्हेन ही वाज, जब बेंजी कितने साल का हो गया? 21 साल का हो गया। तब जब बेंजी 21 साल का हुआ, उनके माता पिता ने एक, है ना, जलसा, एक पार्टी सेलिब्रेट करने की योजना बनाई। एची बेट्स वाज बोर्न इन, एची बेट्स की मृत्यु कब हुई थी? एची बेट्स की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे, एची बेट्स की मृत्यु कब हुई थी? एची बेट्स की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी से बताओ बच्चे, एची बेट्स की मृत्यु क्या 1915 में हुई थी? बिल्कुल नहीं। कब हुई थी बच्चे? 1905 में हुई थी, 1905 में हुई थी। और देखते हैं बच्चे आगे, एची बेट्स वाज डाइड इन, एची बेट्स की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी से बोलेंगे, 1905 में, है ना, 1905 में उनका जन्म हुआ था, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी ये जल्दी से बताएंगे। एची बेट्स की मृत्यु कब हुई थी? क्या 1947 में हुई थी? बिल्कुल नहीं। क्या 1937 में? बिल्कुल नहीं। 1974 में हुई थी मेरे बच्चे। कब हुई थी? 1974 ईस्वी में एची बेट्स की मृत्यु हुई थी। बेंजी मैरिड फ्लोरेंस, बेंजी फ्लोरेंस से शादी किस उम्र में किया था? बेंजी मैरिड फ्लोरेंस एट द एज ऑफ, उस समय इसकी उम्र कितनी हो रही थी? बेंजी मैरिड फ्लोरेंस एट द एज ऑफ, पूछ रहा है बेंजी ने फ्लोरेंस से शादी किया था उस समय उसका उम्र कितना हो रहा था? मेरे बच्चे जल्दी बताएंगे, उस समय उसका उम्र 40 साल हो रहा था। कितने बच्चे? 40 साल हो रहा था, 40 ईयर्स हो रहा था। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन जो था, जो किसान जॉनसन थे, है ना, वो लैंड यानी जमीन को किराए पर लिए थे। फ्रॉम किससे लिए थे? क्या सैंडर्स से? बिल्कुल मेरे बच्चे, सैंडर्स से ही लिया था। लैंडर्स, पैंडर्स और रेंडर्स इस सबसे नहीं लिया था। किससे लिए थे जमीन को किराए पर? सैंडर्स से लिए थे। किससे बच्चे? सैंडर्स से लिए थे। क्लियर है? आइए बच्चे, हम लोग 9 स्टोरी क्लियर हो गया। आइए हम लोग 10वां नंबर चलते हैं। 10 नंबर चैप्टर पे क्या है? इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई। यहाँ पे क्या है बच्चे? इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई। आइए बच्चे देखते हैं हम लोग इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई। अब ये रचना जो है इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई, ये रचना मेरे बच्चे इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, है ना, यात्रियों के नजर का भारत। अर्थ क्या है इसका?
यात्रियों के नजर का भारत, और यात्री कौन थी, पर्ल एस बक, ये भारत भ्रमण करने आई तो इनके नजरिए का भारत, मतलब इनके नजर में भारत कैसा मुल्क है, वो इस पर चर्चा की है पर्ल एस बक, है ना। अब आइए इनका परिचय ले लेते हैं। यह एक एसे है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स, एक निबंध है, है ना, एक निबंध है ये, जिसकी रचना पर्ल एस बक है ना ने किया है, पर्ल एस बक ने किया है। अब ये पर्ल एस बक जो है ये अमेरिका की राइटर है। कहां की बच्चे, अमेरिका की, ये अमेरिकन राइटर हैं जिनका जन्म 26 जनवरी 1892 को, पर्ल एस बक का जन्म 26 जनवरी 1892 को हिल्सबोरा वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था, है ना। अचीव पर्ल एस बक का जन्म कहाँ हुआ था बच्चे, तो अमेरिका में, है ना, हिल्सबोरा वेस्ट वर्जीनिया नामक स्थान पर 26 जनवरी 1892 को इनका जन्म हुआ था मेरे बच्चे। आइए आगे और इनके बारे में कुछ जाने बच्चे। इनका जो चाइनीज नेम था वो साई जेहनू था। इनका ये कौन सा नाम था, चाइनीज नेम था। चूंकि चीन में रहती थी तो चाइनीज नेम इनका क्या था, साई जेहनू, ठीक है। सी वाज एन अमेरिकन राइटर, चूंकि अमेरिका में जन्म जरूर ली थी, बाद में ये चाइना चल गई थी, बस गई थी, तो सी वाज अमेरिकन राइटर, है ना, वो एक अमेरिकन लेखिका थी और उपन्यासकारिका भी थी, उपन्यास लिखती थी, इसलिए नोवेलिस्ट भी थी और राइटर भी थी। सी इज नोन फॉर हर ट्रेवल व्यू एंड मेमोरीज, हमारी जो लेखिका है पर्ल एस बक, ये अपनी यात्रा वृतांत के लिए, ट्रेवल व्यू मतलब जहां जहां ये यात्रा करती थी ना, तो उस यात्रा का पूरा ब्यौरा लिखती थी, और मेमोरीज, इनकी मेमोरी बहुत तगड़ा थी, इनको याद बहुत रहता था, तो ये अपनी यादों के लिए और यात्रा वृतांत के लिए ये जानी जाती थी पर्ल एस बक। सी रोट पर्सनल अकाउंट ऑफ हर विजिट टू डिफरेंट कंट्रीज, वे विभिन्न देशों की जो यात्रा करती थी तो उस यात्राओं का जो व्यक्तिगत ब्यौरा होता था उसको वो लिखा करती थी। देखिए पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत और ब्यौरा किसका बच्चे, तो विजिट, जो वो यात्रा करती थी विभिन्न देशों का, उसका व्यक्तिगत ब्यौरा लिखती थी। सीवाज अवार्डेड द पुलिटजर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था 1932 में, और इन्हें सीवाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, 1932 में इन्हें पुलिटजर प्राइज मिला और 1938 में इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य में जबरदस्त योगदान हेतु इन्हें 1938 में नोबेल प्राइज मिला और 1932 में पुलिटजर, पहले इन्हें पुलिटजर मिला अमेरिका में, जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करते उनको पुलिटजर प्राइज मिलता है, है ना, और बाद में फिर इन्हें नोबेल प्राइज मिला, कब, 1938 में क्या मिला, पुलिटजर प्राइज, और 1938 में क्या मिला, तो नोबेल प्राइज, क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव बनाते समय हेल्प करेगा, है ना। 1932-1938 सीवाज डाइड ऑन 6 मार्च 1973, इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में 6 मार्च 1937 में, जब ये 80 वर्ष की थी इनकी मृत्यु हो गई, है ना, जब ये 80 वर्ष की थी 6 मार्च 1973 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कहां मृत्यु हुई भाई, तो डनवी वारमोंट में, ये एक साथ है लिखा हुआ, डनवी वारमोंट अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में, है ना, 6 मार्च 1973 को डनवी वारमोंट में हो गई थी। द प्रेजेंट एसे इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, है ना, कह रहा है ये जो वर्तमान निबंध है हमारी लेखिका के जीवन के व्यक्तिगत अनुभव पर लिखा गया है। इट ऑल्सो शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल, है ना, ये
हमारी जो लेखिका है भारत के गांव में रहने वाले गरीब किसानों के प्रति है ना सोज लव स्नेह दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, लिविंग इन इंडियन विलेजेज, उन गरीब किसानों के प्रति प्यार दिखाते हैं जो भारत के गांव में रहते हैं, है ना, भारत के गांव में बास करते हैं। आइए बच्चे इनका सवाल देखते हैं, आप लोग भी फटाफट ABCD करके जवाब देते जाएंगे, कमेंट में भी बता सकते हैं आप, बहुत बच्चे आंसर जब भेजते हैं तो सही रहता है आंसर, और आपका आंसर जब सही होता है ना तो आपका मनोबल उच्च होता है, आपको मजा आता है पढ़ने में फिर। आइए बच्चे मैं सवाल पढ़ते जाता हूं, समझिएगा ध्यान से और जवाब दीजिएगा। Which type of prose piece is India through a traveler's eyes? कह रहा है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज जो है ना यात्रियों के नजर का भारत, वो किस प्रकार का प्रोज पीस है, क्या एक निबंध है, क्या एक यात्रा वृत्तांत है, क्या एक भाषण है या लघु कहानी है। मेरे बच्चे ये तो यात्रा वृत्तांत है, अगर यहाँ पर ट्रेवल यू नहीं होता तो शायद आंसर ऐसे हो जाता है ना, तो अगर ऐसे है और साथ में ट्रेवल यू है, यात्रा वृत्तांत खुद लिखा हुआ है तो मजबूत आंसर हमारा ट्रेवल यू होगा, है ना। हु हैज रिटन इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज, बताएंगे ये जो है ना यात्रा वृत्तांत है वो किसने लिखा, तो पर्लेस बक ने लिखा क्या, जल्दी से बोलेंगे, महात्मा गांधी ने लिखा क्या, ये सिगानोया ने लिखा, एची बेट्स ने लिखा, जल्दी बोलेंगे बच्चे, पर्ल एस बक ने लिखा, किसने लिखा, पर्ल एस बक ने लिखा। पर्ल एस बक वाज अमेरिकन बाई बर्थ, जन्म से वो अमेरिकन थी, जन्म से क्या थी, अमेरिकन थी पर्ल एस बक, बट सी वाज रेयर्ड, लेकिन जाकर वो बस कहाँ गई थी मेरे बच्चे, वो कहाँ बसी थी, अमेरिका में नहीं, जन्मी थी ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जन्म चाइना में, वो कहाँ बस गई थी, चाइना में। द फैमिली डॉक्टर ऑफ पर्ल एस बक बिलोंग टू, पर्ल एस बक की जो पारिवारिक चिकित्सक थी, जो डॉक्टर थी पारिवारिक डॉक्टर, वो कहाँ की थी, चाइना की नहीं, नेपाल की नहीं, रशिया की बिल्कुल नहीं बच्चे, इंडिया की थी, वो इंडियन फैमिली डॉक्टर थी इनकी। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग कि वाई डिड पर्ल एस बक विजिट इंडिया, भारत की यात्रा पर क्यों आए थे, क्या कारण था। टू सी अंग इंटेलेक्चुअल ऑफ सिटीज, शहरों में जो युवा शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग है उनको मिलने आई थी। टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने आई थी, मेरे बच्चे ये भी गलत, ये भी गलत। टू सी द पीजेंट्स इन द विलेज, गांवों के किसानों से मिलने आई थी, बिल्कुल गलत है ना। टू सी द अंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज एंड प्रेजेंट इन द विलेज, हाँ ये सही है कि ये शहर में बुद्धिजीवियों से और गांवों में किसानों से मिलने आई थी, यही इनका उद्देश्य था कि शहर के लोगों से बात करूं मैं, उनसे मिलूं, और गांव जाकर उन किसानों से भी मिलूं, है ना। जब दोनों एक साथ दिया हुआ है तो ये सही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अलग लिखा है, ये यहाँ अलग लिखा है, तो गलत हो जाएगा उस समय, चूंकि इनका यहाँ आने का उद्देश्य था कि बुद्धिजीवियों से भी मिले और गांव के किसानों से भी मिले, इसलिए डी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कि द राइटर विजिटेड इंडिया, हमारी जो लेखिका थी वो भारत भ्रमण पर आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद आई थी, गलत बात। कब आई थी, ड्यूरिंग लास्ट वर्ल्ड वॉर, क्या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आई थी, क्या सॉरी फर्स्ट विश्व युद्ध, क्या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आई थी, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आई थी, या वो 15 अगस्त 1947 को आई थी, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे बच्चे।
क्या जवाब आया बच्चे, जल्दी बताइए। मैं बच्चे बिल्कुल सही आएगा हमारा क्या, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, है ना। आई प्रथम विश्व युद्ध तो हो ही गया था, उसमें भारतीय लोगों को खूब ठगा था अंग्रेज, वादा किया था कि अगर मेरे तरफ से लड़ोगे तो फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, है ना। आइए, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का बताओ प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, क्या नेवली, है ना, चैम्बरलिन था, क्या विंस्टन चर्चिल था। मेरे बच्चे यही था, विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल था, है ना। इन्होंने ही तो भविष्यवाणी की थी कि भारत आजाद होगा, है ना, लेकिन खून की नदियां बहेगी, है ना। गांधी जी ने इसे गलत साबित किया था और जिसका परिणाम भारत का बंटवारा कराकर उन्होंने बदला लिया, है ना, भारत को टुकड़े करके बदला लिया था ये चर्चिल। हु इन्वेडेड कश्मीर, है ना, कौन कश्मीर में प्रवेश कर गया था बच्चे, अमेरिकन नहीं बच्चे, अफ्रीकन बिल्कुल नहीं, ऑस्ट्रेलियन नहीं, हाँ यूरोपियन प्रवेश किए थे, है ना, उन्हीं का कुछ जनरेशन अभी दिखता है, क्योंकि यूरोपियन लोग जो होते थे बड़ा क्लासिक पीपल होते थे, यूरोपियन प्रवेश कर गए थे। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट का जो जनरल असेंबली है, उस जनरल असेंबली का प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो कहाँ की थी, क्या चीन की थी, बिल्कुल गलत, इंग्लैंड की नहीं बच्चे, इंडिया की थी, है ना, कहाँ की थी, इंडिया की थी। इन द वर्ड्स ऑफ राइटर, द मोस्ट पिटिएबल कंडीशन ऑफ द फार्मर बाज इन, है ना, इन द वर्ड्स ऑफ राइटर मतलब हमारी लेखिका के जो शब्द हैं उसमें वो कही है कि द मोस्ट पिटिएबल कंडीशन ऑफ फार्मर मैंने किसानों की जो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति वो कहाँ की थी, है ना, क्या रसिया के किसान, इंडिया के किसानों की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय थी। नाजिज्म बाज एसोसिएटेड विद बच्चे एडोल्ट हिटलर, नाजिज्म किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो हिटलर के द्वारा स्थापित किया गया था। हु डज द राइटर ब्लेम्स, हु डज द राइटर ब्लेम्स फॉर ऑल द इल ऑफ इंडिया, भारत के सारे, है ना, समस्याओं के लिए किसको हमारी लेखिका ब्लेम कर रही थी, है ना, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को, नहीं, क्या चाइनीज को, नहीं, तो इंग्लिश को ब्लेम किया गया था, इंग्लिश को दोषी ठहराया गया था, है ना, अंग्रेजी शासक को दोषी ठहराया गया था। आइए इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड वाज द पार्ट ऑफ एलाय, एलाय का ये पार्ट था, इंग्लैंड क्या था, एलाय का पार्ट था, दो ही तो था ग्रुप, एक एलाय था और दूसरा एक्सिस पावर था, तो इंग्लैंड एलाय का, है ना, पार्ट था। ऑन ए विजिट ऑफ ए सर्टेन विलेज, है ना, एक निश्चित गांव की यात्रा पर हमारी लेखिका गई थी। डैश वाज द होस्ट ऑफ द राइटर, है ना, कौन हमारी लेखिका के, है ना, होस्ट थे, है ना, मेजबान थे, एंड ही कुड स्पीक फेयर, और वो क्या बोल सकते थे। मेरे बच्चे एक युवा व्यक्ति थे जो हमारी लेखिका के मेजबान थे और वो इंग्लिश बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, इंग्लिश बोल सकते, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए 15 देखिए बच्चे, बोलिएगा आप लोग, जवाब दीजिएगा जरा। हु वाज द हेड ऑफ होस्ट फैमिली, होस्ट के फैमिली का जो मुखिया थे वो कौन थे, इल्डेस्ट ब्रदर थे, कौन थे बच्चे, इल्डेस्ट ब्रदर थे, है ना। व्हाट मेड द इंडियन इनर्वेटेड एंड एक्सक्यूटेड, भारतीय लोगों को कौन एकदम तोड़ दिया था, हताश कर दिया था, क्या ये सोशलिज्म, नहीं, है ना, पॉलिथिज्म, नहीं, कम्युनलिज्म, नहीं, कोनोनो, हाँ कोलोनिएशंस, है ना, ये कॉलोनियेशन से ही है, भारतीयों को तोड़ दिया था, क्योंकि हम उपनिवेशक हैं, है ना, हम अंग्रेज के अंदर रहते थे, है ना, हमारे ऊपर कौन शासन करता था, अंग्रेज करता था, तो ये जो
है ना, उपनिवेशक जो थे हमारे, वो हमारे भारतीय लोगों को एकदम तोड़ दिए थे, हताश कर दिए थे उन्हें। अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइट अकॉर्डिंग टू द राइटर, व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर। लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार किसी भी नेता का, किसी भी नेता का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? नेता का मुख्य गुण होना चाहिए वो क्या हो? निस्वार्थ हो, जिसको सेल्फलेसनेस बोलते हैं, है ना। एजुकेशन वो तो सही है, ऑनेस्टी सही है, इनोवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे, सेल्फलेसनेस, जिसके अंदर स्वार्थ नहीं हो। तो सबसे मजबूत आंसर आपका है सेल्फ, है ना, लेसनेस। द राइटर वाज सर्व्ड फूड ऑन, जब हमारी लेखिका वहां गई उस गांव में, तो उस युवा व्यक्ति के घर में जब गई तो वहां इनको खाना खिलाया गया। तो खाना किस चीज पर परोस कर खिलाया गया? तो क्या प्लास्टिक का प्लेट पर? नहीं मेरे बच्चे, फ्रेश ग्रीन बनाना टी, बिल्कुल सही आंसर, ताजा एकदम केला के पत्ते पर खाना खिलाया गया इन्हें। डैश इज इवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, लेखिका के अनुसार भारत जीवन में धर्म हमेशा से समाया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? रिलीजन, रिलीजन इज इवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में धर्म हमेशा उपस्थित रहता है। द वन हु लीव देयर होम टू जस्ट स्पेयर द क्रिश्चियनिटी आर कॉल्ड, जो घर छोड़ दिए और लोगों को, है ना, जाकर, है ना, नैतिकता की बात पढ़ा रहे हैं, उसको हम मिशनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? मिशनरी बोलते हैं, है ना। विच बुक ऑफ पर्ल एस बक इज बेस्ड ऑन इंडियन बैकग्राउंड, पर्ल एस बक का कौन सा किताब है जो भारतीय पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ है? ईस्ट विंड, वेस्ट विंड, बिल्कुल नहीं। कम माई बिलव, मेरे बच्चे यही वो बुक का नाम है जो भारतीय पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ है, कम माई बिलव, मेरे प्यारे आओ। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज इज, क्या है ये बच्चे? यहाँ देखिए, एसे, स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा, इस ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा? एसे। हु एडवाइज्ड द इंडियन नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग, कौन ये सलाह दिया कि हर एक चीज के लिए अंग्रेज को ही आपको आरोपित नहीं करना चाहिए? परलेस बक इस बात का सलाह दी कि कुछ चीजों के लिए आप लोग भी जिम्मेवार हैं, केवल ये शासक जो है ये ब्रिटिश हुकूमत ही जिम्मेवार नहीं है। आइए, पर्ल एस बक केम इंडिया टू सी, पर्ल एस बक भारत क्या आई थी देखने के लिए? किससे मिलने आई थी? ताजमहल, टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, बिल्कुल सही, है ना, लोगों के दो समूह से मिलने आई थी, शहर के और गांव के। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द अंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विथ, है ना, भारत के जो युवा, है ना, बुद्धिजीवी लोग थे वो बहुत ज्यादा निराश थे, किस चीज से? विथ द इंग्लिश, इस ब्रिटिश हुकूमत से बहुत ज्यादा निराश थे इंडियन, क्योंकि युवाओं को अंग्रेजी स्कूल में ट्रेनिंग भी दिया दिलाया गया, लेकिन रोजगार नहीं दिया गया, नौकरी नहीं दिया जाता था। इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल हैड ए लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट, है ना, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत रहते हुए भारतीय लोगों लोग का जीवन जो था वो एवरेज कितना साल का था, जल्दी बताएंगे मेरे बच्चे? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के लोगों का जीवन एवरेज औसतन कितने साल का था? मात्र 27 साल। कितने साल के बच्चे? 27 साल, एवरेज 27 इयर्स। द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली लेफ्ट, है ना, कह रहा है राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली, है ना, लेफ्ट नहीं मेरे बच्चे, सॉरी, ये फेल्ट है। तो कैसा महसूस किए थे? बहुत ज्यादा खुशी हुई थी उनके यहाँ जाकर, है ना, बहुत अच्छा लगा था हमारी लेखिका को, बहुत खुश हुई थी। बोलेंगे बच्चे, पर्ल एस बक वॉन द नोबेल प्राइज इन, अभी मैं बता रहा था कि पर्ल एस बक को पुलिटजर प्राइज 1932 में मिला था और नोबेल प्राइज 1938 में मिला था, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
परलेसबग वाज बोर्न ऑन इन, परलेसबग की मृत्यु कब, सॉरी जन्म कब हुई थी, परलेसबग का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बोलेंगे। परलेसबग का जन्म क्या 1982 में हुआ, 1862 में, 1892 में, 1872 में, जल्दी से बताएंगे बच्चे। जल्दी से जवाब दीजिए। परलेसबग का जन्म कब हुआ था, परलेसबग का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे बच्चे। परलेसबग का जन्म कब हुआ था, 1882 में, 1862 में, है ना, 1892 में, कब जन्म हुआ था, जल्दी से बताएंगे। परलेसबग वाज बोर्न, बच्चे परलेसबग का जन्म 1892 में हुआ था, कब हुआ था बच्चे, 1892 में हुआ था। परलेसबग का जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1892 में। यही तो दिक्कत है कि पुलिटजर प्राइज तो 1932, नोबेल प्राइज पूछे तो 1938, मृत्यु पूछ दे, सॉरी जन्म पूछ दे तो 1892, 1892 में इनका जन्म हुआ था। फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन आर टाउट द राइट हैंड फॉर इज फॉर क्लीन सर्विस, करा कि बचपन से ही भारत में, है ना, किसको सिखाया जाता है ये सारे बच्चे, है ना, बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है भारत में, चिल्ड्रेन को सिखाया जाता है कि जो राइट हैंड है हमारा, जो दाहिना हाथ है ये शुभ काम करने के लिए है, और जो बायां हाथ है वो निम्न काम करने के लिए, ऐसा बचपन से ही, है ना, बचपन से ही बच्चों को इंडिया में सिखाया जाता है, ऐसा बचपन से इंडिया में बच्चों को सिखाया जाता है। आइए, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास, देखिए मद्रास आंसर हो जाएगा, वह जमीन जो बॉम्बे और मद्रास के बीच है वो मरुस्थल है एकदम, है ना, वो फसल यहाँ नहीं उगता अच्छे से। व्हेन डिड परलेसबग डाइड, करें परलेसबग की मृत्यु कब हुई थी, जन्म तो 1892 में हुई थी, तो परलेसबग की मृत्यु कब हुई थी, तो मेरे बच्चे परलेसबग की मृत्यु 6 मार्च 1973 को हुई थी, 1973 को मृत्यु हुई थी, जन्म कब हुई थी, 1892। क्लियर, आइए बच्चे ये चैप्टर भी हम लोग क्लियर कर लिए। आइए अब लास्ट है प्रोज का आपका, अ मैरिज प्रपोजल, ध्यान से देखेंगे, अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, है ना, मैरिज प्रपोजल, ये ऐसा कहानी है, ये एक तरह से प्ले है कह सकते हो, है ना, काफी ये मनोरंजक है, काफी इंटरटेनिंग का ये प्ले है, सुनिएगा। दिस प्ले अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटन चेकअप, है ना, एंटन चेकअप के द्वारा ये प्ले लिखा गया है, एकांकी लिखा गया है ना, ये नाटक लिखा गया है। ही वाज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइटर एंड ड्रामाटिस्ट, ये जो एंटन चेकअप है ये छोटी कहानी, शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, इसका मतलब ये लघु कहानी लिखते थे, ड्रामाटिस्ट है इसका मतलब ये नाटक लिखते थे, इसलिए तो नाटककार कहा जाता है इन्हें, और कहानी लिखते थे इसलिए इन्हें राइटर भी कहा जाता है, लेखक भी हैं, लघु कहानीकारक भी हैं, ड्रामाटिस्ट भी, कौन, एंटन चेकअप साहब, है ना, और पेशे से ये डॉक्टर थे, पेशे से क्या थे बच्चे, ये डॉक्टर थे पेशे से, है ना, ही वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, पेशे से एक डॉक्टर थे, है ना, ही वाज बोर्न ऑन 29 जनवरी 1816 रशिया, इनका जन्म रूस में 29 जनवरी 1860 को रशिया में इनका जन्म हुआ था। ही बिगैन हिज लिटरेरी करियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच, ही बिगैन हिज लिटरेरी करियर, इन्होंने अपने साहित्य, है ना, के क्षेत्र में अपनी करियर की शुरुआत किससे किया बच्चे, तो राइटिंग कॉमिक स्केच, मैंने कॉमिक स्केच मतलब क्या होता है, हास्य, मैंने कॉमिक स्केच मतलब कह सकते हैं हास्य रेखा चित्र, क्या कह सकते हैं बच्चे, हास्य रेखा चित्र से,
रेखा चित्र से, जैसे आप पेपर पढ़ते हैं तो कहीं कहीं इस तरह से करके कुछ लिखा रहता है, कुछ फोटो बनाए रहता है, वहां पे कुछ लिखा रहता है, मतलब वो पढ़ के आपको आनंद आता है। इस तरह से पेपर में इस तरह से कॉमिक स्केच लिखा रहता है। तो इन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत हाथ से रेखा चित्र लेखन से शुरुआत किया था। ही लिव्ड इन रशिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार, है ना, ये जो हमारे एंटन चौकब साहब हैं वो जार के शासन काल के दौरान रशिया में थे, है ना। इनके शासन काल में रशिया का शासक कौन था, तो जार था। कौन था बच्चे, जार था। तो जार के शासन काल के दौरान ये रूस में थे। और कुछ बातें जान लेते हैं इनके बारे में। हिज वर्क प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ रशिया ऑफ हिज डेज, है ना, कह रहे इनकी जो लेखन है उस समय के रूस के वास्तविक तस्वीर को दर्शाता है। इनकी जो लेखन है उस समय के रूस के वास्तविक तस्वीर को दर्शाता है। हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेस, इनके अंदर कह रहे इनकी जो कॉमेडी है, इनकी जो कॉमेडी थी जिसको कहते हैं हास्य प्रधान नाटक, जिसे आपको मनोरंजन, जिससे हंसी छूटे आपको, जिससे देखते ही आप हंस पड़े, सुनते ही हंस पड़े, तो इनकी जो कॉमेडी थी वो बेस्ड आधारित रहती थी किस पर, तो रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेस पर, मनुष्य की परिचित कमजोरियों पर आधारित रहती थी, मनुष्य की परिचित कमजोरियों पर आधारित रहती थी। इनकी निम्नलिखित रचनाएं भी थी, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने किया था, जैसे अंकल बियाना, इन्हीं की रचना किनका, एंटन चौकब साहब का, द थ्री सिस्टर्स एंटन चौकब ने लिखा था, है ना, चेरी और चार्ट भी एंटन चौकब ने लिखा था। इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 को 44 मात्र 44 वर्ष की उम्र में हो गई थी। एंटन चौकब साहब की मृत्यु मात्र 44 वर्ष की अवस्था में 15 जुलाई 1904 को हो गई थी। क्लियर बच्चे। द प्रेजेंट कॉमेडी ए मैरिज प्रपोजल, जो वर्तमान कॉमेडी है इसका नाम है मैरिज प्रपोजल, ये दर्शाता है कैरेक्टर हु काउज देयर ओन डिसकंफर्ट। यह वर्तमान जो नाटक है, एकांकी है, शादी का प्रस्ताव जिसका नाम है, ये वैसे चरित्र को दर्शाता है जो अपने दुख का कारण स्वयं होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता, अपने दुख के कारण स्वयं होते हैं। आइए बच्चे देखते हैं, हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल है, द ओनली ड्रामा प्रिस्क्राइब्ड इन योर टेक्स्ट बुक इज, एक ही ड्रामा आपके टेक्स्ट बुक में उसका नाम क्या है, अ मैरिज प्रपोजल है। हु वाज रिटन अ मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेकब साहब ने लिखा है। एंटोन चेकब बिलोंग्स टू, एंटोन चेकब किस देश के रहने वाले, तो रशिया के रहने वाले, रूस के रहने वाले बच्चे, ये कहाँ के हैं, तो रूस के रहने वाले हैं। ये कहाँ के बच्चे, इंग्लैंड के, बिल्कुल नहीं, चाइना नहीं, जापान नहीं, रशिया के रहने वाले हैं। एंटोन चेकब कहाँ के, रशिया के। विच टाइप ऑफ प्रोज पीस अ मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल किस प्रकार का प्रोज पीस है, तो ये एक ड्रामा है। क्या है बच्चे, ड्रामा है। How many characters are there in marriage proposal? Marriage proposal में कितने चरित्र हैं? तो तीन है, लोमो, है ना, नतालिया और चुकोब है। तीन मेन कैरेक्टर हैं यहाँ पर। The three characters of, देखिए पहले वाला सवाल का जवाब यहाँ है। Three characters of a marriage proposal are चुकोब, नतालिया एंड लोमो, है ना, चुकोब, नतालिया, लोमोव। लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश नेचर, लोमोव किस प्रकार के स्वभाव का था, तो लोमोव हाइपोकॉन्ड्रिक था। लोमोव किस नेचर के था बच्चे, तो हाइपोकॉन्ड्रिक था। हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं उसको जिसको हमेशा शक होता है कि हम बहुत सारे बीमारी है ना, से हम ग्रसित है ना, और जबकि वो स्वस्थ है लेकिन फिर भी शक है। तो जिस व्यक्ति को इस तरह का शक होता, हालांकि कह रहा है क्या कि हाइपोकॉन्ड्रिक क्या होता है, तो जरा समझिए, हाइपोकॉन्ड्रिक वो बीमारी है जो स्वस्थ व्यक्ति को भी लगता है कि हम बीमार हैं। तो इसी तरह से लोमोव सोचता था कि हम बीमार हैं, हमेशा इसकी धड़कन तेज हो जाती थी, है ना। नतालिया इज अ डॉटर ऑफ, किसकी बेटी है, तो चुबोकोव
कोब की बेटी है। लोमोब इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट, है ना, नर्वस टेम्परामेंट, इतना तो नर्वस हो जाया करता था। लोमोब बाज द डैश ऑफ चुबोकोव, उसका पड़ोसी था लोमोब, चुबोकोव का क्या था, नेबर, पड़ोसी था। लोमोब इज डैश इयर्स ओल्ड, लोमोब कितने साल का था, तो लोमोब 35 साल का था। कितने साल का था बच्चे, 35 साल का था लोमोब है। अब पूछेगा नतालिया कितने साल की थी, तो वो 25 साल की थी, वो कितने साल की, 25 साल की। लोमोब कितने साल का, 35 साल का। लोमोब हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर हैंड इन मैरिज, लोमोब हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर डैश इन मैरिज, है ना, तो उनकी डॉटर का नाम क्या था, नतालिया था ना, बिल्कुल, तो ये नतालिया हो जाए, नतालिया हैंड इन मैरिज, नतालिया का हाथ शादी के लिए मांगने आया था। द नेम ऑफ डॉग लोमोब इज, लोमोब के कुत्ते का नाम क्या था बच्चे, लोमोब के कुत्ते का नाम क्या था, गेस था, है ना, क्या था, गेस था ना। नतालिया डॉग नेम इज, नतालिया के कुत्ते का नाम क्या था, ये तो बहुत इजी है, सब लोग जल्दी से बताइए, नतालिया डॉग नेम इज क्या था, लीप था, क्या था बच्चे, लीप था। हु थ्रेटेंस टू टेक द मैटर टू द कोर्ट, कौन धमकी दिया था कि ये वाला जो मुद्दा है वो हम कोर्ट तक ले जाएंगे, ये लोमोब धमकी दिया था, कौन धमकी दिया था, लोमोब। जब इन दोनों का चारागाह का बहस चल रहा था तो लोमोब ने कहा कि हम जाकर कोर्ट में इसे साबित कर देंगे कि ये जमीन मेरा है, तो लोमोब धमकी दिया था। द ओनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड, कौन सा चीज का जो मालिकाना हक था वो विवाद में था, तो वो ऑक्स मीडोज था, बैल वाली चारागाह, ऑक्स मीडोज जो विवादित था। ये आई बीच Who goes to Chubokov with Ivan's proposal? Ivan's के proposal, Ivan's मतलब कौन? लोमोब की बात है, है ना? Ivan's proposal के साथ कौन गया? तो नतालिया गई, है ना? नतालिया इवान के proposal को स्वीकार कर ली थी, लोमोब जो शादी का प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को ये स्वीकार करके आगे बढ़ी थी। For how long had Chubokov's family been using the ox meadows? है ना? उस बैल वाले चारागाह का प्रयोग, है ना, चुबोकोव का परिवार ने कितने सालों तक किया था, तो 40 इयर्स तक किया था बच्चे, 40 साल से करते आ रहे थे वो इस जमीन का प्रयोग, और वो अब समझने लगे थे कि ये जमीन उन्हीं का है। अकॉर्डिंग टू लोमोब लीप इज, लोमोब के अनुसार जो नतालिया का कुत्ता लीप था, तो लीप में क्या कमी थी, क्या वो लंगड़ा था, नहीं, पग जो था बिल्कुल सही, वो पग जो था मोटे सिर वाला जबड़ा कुत्ता था। Who says that he is having heart failure? कौन कहा कि मेरा हृदय फटा जा रहा? लोमोब ये बात कहा था, है ना? क्योंकि नर्वस टेम्परामेंट वाला आदमी था, लोमोब ये बात कहा था। लोमोब डॉग हैज टू डिफेक्ट, है ना? चुबोकोव ने कहा कि लोमो के कुत्ते में दो बेसिकली, है ना, आधारभूत कमियां हैं। पहला की तो ये तो बूढ़ा हो गया, और दूसरा डैश इज टू मज्जल, तो उनका जो है ना मज्जल थुथुन था वो बहुत छोटा था। लोमोब डॉग हैज टू डिफेक्ट, दो खामी थी, ही इज ओल्ड, पहला खामी कि बूढ़ा था, एंड हिज डैश इज टू शॉर्ट, और उसका क्या था जो बहुत छोटा था, तो मज्जल, यानी थुथुन बहुत छोटा था। आइए बच्चे आगे क्वेश्चन देखते हैं। Who is mad in love of Lomov? Lomov के प्यार में कौन पागल थी? Natalia. The worth of ox meadow is about dash ruble. जो ox meadows था, बैल वाली जो चारागाह था, उसका कितना कीमत था? कितना रूबल? ना 100 रूबल, 1000 रूबल, मिलियन रूबल, करोड़ रूबल था। बताएंगे बच्चे, 23 नंबर का, है ना? कितने रूबल का था, है ना? 100 रूबल, 1000 रूबल, मिलियन रूबल या करोड़ था, उसका कीमत कितना था? क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23।
हजारों में था, है ना, लाखों में था, करोड़ों में था, या हंड्रेड में था, है ना, 600 रूबल शायद, है ना, इसका कीमत लगा रहे थे नतालिया, ये 100 होगा मेरे बच्चे, है ना, क्या होगा 100 रूबल, क्योंकि 100 रूबल में था इसका कीमत, थाउजेंड में, मिलियन में, करोड़ में नहीं था। नतालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्समीडोज, बैल वाली चारागाह के लिए लड़ रहे थे, कौन कौन, नतालिया और लोमोव लड़ रहे थे, है ना। एंटोन चुबोकोव वाज बोर्न इन, एंटोन चुबोकोव का जन्म कब हुआ था जल्दी से बताएंगे बच्चे, एंटोन चुकोव का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, एंटोन चुकोव का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, तो एंटोन चुकोव का जन्म 1860 में हुआ था और मृत्यु 1904 में हुआ था। देखिए एंटोन चुकोव डाइड, है ना, तो जन्म 1860 में और मृत्यु 1904 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था बच्चे, 1904 में हुआ था, जन्म 1860 में और मृत्यु 1904 में। चलिए आइए एंटोन चुकोव जो है, एंटोन चुकोव इज ए फेमस फॉर, एंटोन चुकोव किसके लिए प्रसिद्ध है, है ना, नोबेल के लिए, ऐसे के लिए, ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी के लिए, किसके लिए बच्चे, ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी के लिए। डेट इज ए लोड ऑफ माई बैक सेड, मतलब पीठ पर से बोझा उतर गया, ये किसने कहा था, ये चुबोकोव ने कहा था, है ना, जब बेटी की शादी हो गई थी तब इन्होंने ऐसा कहा था कि आज मेरे पीठ से, है ना, बोझा, जो मेरे पीठ पर बहुत बड़ा बोझा था, जिम्मेवारी थी, है ना, तो वो जिम्मेवारी आज उतर गई, हल्की हो गई। हु इज मैड इन लव ऑफ लोमोव, कौन लोमोव के प्यार में, तो नतालिया, है ना, ये किसने कहा था, चुबोकोव ने कहा था। नतालिया बाज डैश इयर्स ओल्ड, 25 इयर्स ओल्ड, ये 25 साल की थी मेरे बच्चे। ए मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले, है ना, मैरिज प्रपोजल वन एक्ट प्ले है ना, बहुत लोग इसको टू एक्ट प्ले बोल देते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको वन एक्ट प्ले है, ये वन एक्ट प्ले, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, अब ये प्रोज वाला हमारा क्लियर हो गया, अब हम लोग चले पोएट्री सेशन की तरफ, जल्दी से पोएट्री हम लोग देख लेंगे, ये सब आपको सुना हुआ है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। पोएट्री सेशन में सबसे पहले सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन का लिखा हुआ ये कविता है, है ना, ये जॉन डन ने इसे कंपोज किया है, जिनका जन्म 22 जनवरी 1572 में हुआ था, और कैसे परिवार में, तो एक प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, है ना, प्रोस्पेरस रोमन समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में 22 जनवरी 1572 में इनका लंदन में जन्म हुआ था, है ना। He was known as metaphysical poet, आध्यात्मिक कवि के रूप में, एक उपदेशक और वकील के रूप में ये जाने जाते थे, है ना। He is famous for stories, love poem and sermons, है ना। जॉन डन साहब जो थे वो कविता, धर्मोपदेश, हाँ, और कहानी के लिए, देखिए स्टोरीज मैंने कहानी के लिए जाने जाते थे, लव पोएम प्यार संबंधी कविता, सरमंस धर्मोपदेश के लिए जाने जाते थे। इस फादर्स ने, इनके पिता का नाम भी जॉन डन था, लेकिन इनकी माँ का नाम एलिजाबेथ हेवुड था, एलिजाबेथ हेवुड था। व्हेन ही वाज एडमिटेड, जब इनका नामांकन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, तो जॉन डन वाज फोर्स, जॉन डन पर दबाव डाला गया कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाओ, है ना, बिना डिग्री लिए हुए, ड्यू टू हिज रिलीजन, चूंकि ये रोमन कैथोलिक थे और इनके विरुद्ध माहौल था वहां, इसलिए इन पर दबाव डाला गया कि आप बिना यहाँ से डिग्री लिए आप यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि आप रोमन कैथोलिक धर्म के हो, है ना। लेटर ही गॉट ए जॉब, लेकिन इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ा, पूरी पढ़ाई कंप्लीट की, पढ़ाई के बाद इन्हें सेक्रेटरी का जॉब मिल गया, है ना, किसके कंपनी में, तो मिस्टर इगरटोन के कंपनी में, और उसी के लंदन वाले घर में, इगरटोन के लंदन वाले घर में अब रहना शुरू कर दिया ये, है ना, इनकी नौकरी लग गई इगरटोन के कंपनी में, और वहीं उसी के घर, लंदन वाले घर में रहना शुरू किया, जहां इसकी मुलाकात इगरटोन की भतीजी, इगरटोन की नाइस भतीजी और जॉर्ज मोर की बेटी, इगरटोन की भतीजी और जॉर्ज मोर की बेटी एनी मोर से हो गई, और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इन्हें किनसे प्यार हो गया, एनी मोर से प्यार हो गया। They had 4 years love before marriage. इन दोनों का शादी से पहले 4 वर्षों तक लगातार प्यार चला,
एट लास्ट लास्ट में इन दोनों ने चुपचाप क्या किया, 1601 ईस्वी में शादी कर ली और बिना अपने पेरेंट्स के परमिशन के ऐसा इन्होंने किया, है ना, अपने पेरेंट्स को इन्होंने नहीं बताया। और इस कारण से ड्यू टू दिस रीजन जॉन्डन को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। बाद में इनके शादी को डिक्लेयर कर दिया लीगल कि यह शादी जायज है, क्योंकि एनी मोर भी इनसे बहुत प्यार करती थी, एनी मोर सपोर्ट में बयान दे दी थी, इसलिए इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था, है ना। नाउ जॉन्डन वाज विदाउट जॉब, चूंकि अब जॉन्डन के पास नौकरी नहीं था, इनका फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा पुअर हो गई थी, है ना। परंतु कुछ ही दिनों के बाद, है ना, इन्हें एक उपदेशक के रूप में चर्च में, इंग्लैंड के चर्च में 1615 में इनको नौकरी मिल गई, है ना। उस समय इनका उम्र 42 साल हो रहा था और जल्द ही इंग्लैंड के, है ना, महान उपदेशक बन बैठे थे ये, जितने भी उपदेशक थे उनसे आगे निकल बैठे। अचानक क्या हुआ कि इनकी जो महबूबा थी एनी मोर, इनकी मृत्यु 15 अगस्त 1617 को गई। देख लीजिए 1601 में शादी हुआ, बहुत तकलीफ हुई, नौकरी उकरी थी नहीं तो लंबे दिनों तक चली, फिर 1615 में यानी 14 साल बाद इनको नौकरी मिली प्रेचर का, ठीक है, प्रेचर का नौकरी मिली और बस 2 साल बाद 1617 में ही इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, है ना। यानी ज्यादा दिन दुख ज्यादा झेली और सुख नहीं झेल पाई एनी मोर, है ना। जॉन्डन नेवर मैरी अगेन, दोबारा जॉन्डन ने पत्नी के गुजरने के बाद शादी नहीं किया और अपने बच्चों का लालन पालन स्वयं किया। एक और आश्चर्य की बात जब सुनोगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि इन देयर 16 इयर्स मैरिज, देखिए 1601 में शादी हुई, 1617 में मरी, तो 16 वर्ष शादीशुदा जीवन तो चला ही ना। तो एनी मोर और जॉन्डन के 12 बच्चे हुए इस 16 वर्ष में। कितने बच्चों के माता पिता थे? 12 बच्चे, यानी एक दर्जन। एट लास्ट जॉन्डन डाइड, अंत में जॉन्डन की भी मृत्यु 31 मार्च 1631 को हो जाती है। उस समय जॉन्डन का उम्र 59 साल था, 59 साल की अवस्था में 31 मार्च 1631 को, है ना, आंत के कैंसर से जॉन्डन की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बच्चे जॉन्डन कंपोज दिस ब्यूटीफुल पोयम बिकॉज कन्वेइंग हिज, जॉन्डन एक दिन यूरोप की यात्रा पर निकल रहा था, इनकी पत्नी बहुत दुखी हो गई कि आपको मैं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आप जाओगे तो शायद वापस नहीं आओगे, तो उन्हीं को समझाने के लिए इस कविता को लिखा है जॉन्डन ने, अपनी पत्नी एनी मोर के लिए कविता लिखा है। क्लियर बच्चे, अब आइए इनका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख ले। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाय, जल्दी बोलेंगे जॉन्डन, है ना, हु इज कॉल्ड पॉइनर ऑफ मेटाफिजिकल फोटो, आध्यात्मिक कवि किन्हें कहा जाता है, जॉन्डन को कहा जाता है, है ना। इस कविता में कितने स्टेंजा है, तो 5 स्टेंजा है मेरे बच्चे, कितने स्टेंजा है, 5 है। आई व्हाट डज द पोएट यूज एज मेटाफर अबाउट हिज रिटर्निंग फ्रॉम जर्नी, यात्रा से लौटने के लिए किससे अपनी तुलना करते हैं हमारे कवि, तो सूर्य से तुलना करते हैं। विच टाइप ऑफ लवर्स नेवर पार्ट अवे, किस प्रकार के प्रेमी कभी जुदा नहीं होते, तो ट्रू लवर्स जो होते हैं, ट्रू लवर्स कभी जुदा नहीं होते, है ना। आइए 6 नंबर हम लोग देखें कि व्हाट आर द थिंग्स दैट सन डज नॉट हैव, वो कौन सी चीजें हैं जो सूर्य के पास नहीं है, तो सेंस और डिजायर, ये सूर्य के पास नहीं। बच्चे सी आंसर होगा, द स्पीकर सोल गो अवे व्हेन हिज बिलव्ड, हमारे कवि की आत्मा उड़ा ले जाती है कब, जब इनकी महबूबा सिसकती है, साय करती है ना। हु इज द बिलव्ड ऑफ द पोएट, हमारे कवि की महबूबा का नाम क्या है, एनी मोर है, है ना, एनी मोर है। जॉन्डन हैड सन सेटिंग, जॉन्डन हैड सीन द सन सेटिंग, कब सूर्य को डूबते देखा था, तो पिछली रात को, गत रात्रि को। जॉन्डन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, जॉन्डन सोचते हैं कि मृत्यु निश्चित है, डेथ इज सर्टेन। आई द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सैड फॉर हिज बिलव, ये उदास थे उनकी ये हालत देखकर। जॉन्डन वाज बॉर्न ऑन, बच्चे जल्दी से बताएंगे,
22 जनवरी 1572 में इनकी मृत्यु हुई। जॉनडन की शादी कब हुई? जॉनडन मैरिड 1601 में एनी मोर से उन्होंने शादी किया। हिज बिलव्ड एनी मोर डाइड, इनकी जो महबूबा थी वो 15 अगस्त 1617 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 15 अगस्त 1617 में इनकी मृत्यु हुई। बी ऑप्शन सही है ना? जॉनडन डाइड, जॉनडन की मृत्यु कैसे हुई बच्चे? तो कैंसर से हुई थी। जॉनडन डाइड इन, जॉनडन की मृत्यु कैसे हुई थी? कैंसर से कब हुई थी? तो 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब बच्चे? 1631 में हुई थी। आइए बच्चे सेकंड पोयम हम लोग देखते हैं। सेकंड पोयम हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गीत, खुद का गीत। हाँ, कभी कह रहे हैं कि स्वयं में मस्त रहिए, स्वयं के खुद के काम को आनंद लीजिए, दूसरे के कामों में ताक झाक मत कीजिए, अपने कामों में खूब मस्ती लीजिए, आनंद लीजिए और आनंदित रहिए। वाल्ट विटमैन की यह रचना है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट विटमैन की यह रचना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की रचना वाल्ट विटमैन साहब ने किया है। ये अमेरिका के कवि है ना। ही वॉज मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका, है ना, ऑफ अमेरिका। ये इंडिविजुअल लिटरेरी क्या? इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, लिटरेरी मैंने साहित्य और फिगर मैंने चेहरा। तो व्यक्तिगत साहित्य के चेहरा थे। कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिका के व्यक्तिगत साहित्य के चेहरा थे वाल्ट विटमैन, है ना। इनका जन्म 31 मई 1819 को हुआ था न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हुआ था इनका जन्म 31 मई 1819 को। ही बिगन वर्किंग एज ए कारपेंटर। बहुत गरीब घर में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि ये 12 वर्ष के हुए भी नहीं थे कि इनको बढ़ई के दुकान में बढ़ई के रूप में काम करना पड़ गया था जीवन यापन के लिए बाद में। लेकिन पढ़ाई इन्होंने नहीं छोड़ा, इस विपरीत हालातों में भी पढ़ते रहे। बाद में ये प्रिंटर बन गए, है ना, और फिर प्रिंटर के बाद टीचर बने, टीचर के बाद फिर संपादक एडिटर बन गए, फिर वॉलंटियर नर्स, फिर लोगों की सेवा भी की सिविल वार के दौरान स्वयं सेवक के रूप में, है ना। ही रोट मेनी पोएम्स विच इज कलेक्टेड इन, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और उन सब को ग्रीव्स, है ना, लीव्स ऑफ ग्रास में संग्रह कर दिया। यानी इनकी कविताओं के संग्रह का नाम अगर पूछ दे तो लीव्स ऑफ ग्रास बताएंगे आप, है ना। इनकी मृत्यु कैमडन न्यू जर्सी, है ना, अमेरिका में, अमेरिका के न्यू जर्सी कैमडन नामक स्थान पर, अमेरिका में न्यू जर्सी के कैमडन नामक स्थान पर इनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 में हो गई थी। 26 मार्च 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? आइए बच्चे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज बाय वॉल्ट विटमैन। क्लियर है? वॉल्ट विटमैन वाज बोर्न इन, देखिए इसका आंसर यहाँ है। यहाँ कह रहा है पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा, यहाँ कह रहा है वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन ने लिखा। वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ? वॉल्ट विटमैन का जब जन्म कब हुआ जल्दी बताएंगे। अभी अभी मैंने तुरंत बताया है वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ है, जल्दी बताएंगे बच्चे वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ है। जल्दी बताइए, अभी तो बताया था कि 1819 में हुआ था। वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था। हु इज नोन एज पीपल्स पोएट, वॉल्ट विटमैन, है ना, लोगों के कवि माने जाते थे। क्यों? क्योंकि लिखते थे खुद पर, और सभी लोग जब इनकी कविता को पढ़ते थे उनको लगता था कि ये कविता मेरे बारे में लिखा गया, ऐसा था इनका। वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन बाज डैश पोएट, मेरे बच्चे अमेरिकन पोएट। वॉल्ट विटमैन बाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, सिविल वार के दौरान इन्होंने स्वयं सेवक के रूप में काम किया था। लीव्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय, अभी तो मैंने कहा था कि वॉल्ट विटमैन के कविताओं के संग्रह का नाम है, है ना, लीव्स ऑफ ग्रास। और यहाँ पूछ रहा है लीव्स ऑफ ग्रास किसने लिखा, तो वॉल्ट विटमैन ने लिखा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वॉल्ट विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड लीव्स ऑफ ग्रास एट हिज एक्सपेंसेस, सबसे पहले, सब शुरुआत में जब इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास को, है ना, प्रकाशित किया था तो अपने खर्चे पर प्रकाशित किया था।
कोई प्रकाशक इनको छापने के लिए तैयार नहीं हुआ था, अपने खर्चे पर प्रकाशित किया था। बताएंगे मुझे कि कब किया था प्रकाशित, इन्होंने कब किया था प्रकाशित, अपने खर्चे पर प्रकाशित किया था, कब किया था? 1855 में किया था। कब किया था बच्चे? 1855 में इन्होंने किया, सबसे पहले अपने खर्चे पर वाल्ट विटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास को 1855 में प्रकाशित किया था। ड्रम्स एंड टैप इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन, ड्रम्स टैप वाज पब्लिश्ड टू, और ड्रम्स टैप पब्लिश्ड कब हुआ ये पूछ रहा है कि ड्रम्स टैप को भी वाल्ट विटमैन ने ही लिखा, तो ये ड्रम्स टैप को पब्लिश कब किए थे वाल्ट विटमैन, लिखे थे तो वाल्ट विटमैन किए थे कब, तो 1866 में किए थे, 10 साल बाद किए थे 1866 में। वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ड्यूरिंग दिस पोयम, इस कविता के अनुसार वाल्ट विटमैन कितने साल के हैं? 37 ईयर्स के हैं। कितने बच्चे? 37 ईयर्स के। कहते हैं मैं 37 साल का हूं लेकिन अभी भी मैं उत्तम स्वास्थ्य का शुरुआत करने जा रहा हूं, तो 37 साल के हैं। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डाइज फॉर हिमसेल्फ, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिम सेल्फ। कहते हैं कभी इस कविता में कि अपने कार्य का गुणगान खुद करो, खुद आनंदित रहो। वाल्ट विटमैन डाइड इन, अब बताओ वाल्ट विटमैन की मृत्यु कब हुई थी, वाल्ट विटमैन की मृत्यु कब हुई थी, कब ये इस धरती से अलविदा कह गए थे, क्या 1850 था, 1892 था, 1870 था, 1872 था? बच्चे बताएंगे जल्दी क्या था। मेरे बच्चे 1892 था। क्या था बच्चे? 1892 था। Now the leaves are falling fast. Now the leaves are falling fast. W.H. Auden. Now the leaves are falling fast. W.H. Auden. The poem Now the leaves are falling fast is written by Wollstonecraft Auden. The poem कह रहा है कि ये जो कविता है पत्ते तीव्रता से झर रहे हैं, इसकी रचना W.H. Auden, जिनको हम पूरा नाम इनका है वॉल्स्टेनहग्ग ऑर्डेन, है ना, वॉल्स्टेनहग्ग ऑर्डेन, ये इन्होंने इस कविता की रचना की। पत्ते तीव्रता से गिर रहे हैं, पत्ते तीव्रता से गिर रहे हैं। अब ये देखिए जो कविता है ये हमारे, है ना, ऊपर हम मनुष्यों के ऊपर ये कविता फिल्माया गया है, वो हमें बताना चाह रहे हैं कि हमारी उम्र जो है तेजी से घटते जा रही है। जैसे ही कोई जन्म लेता है ना, वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है, समय उसका घटना शुरू हो जाता है। तो ही बात है वर्सेटाइल, है ना, वॉल्स्टेनहग्ग ऑर्डेन यानी W.H. Auden की बात हो रही कि वो एक वर्सेटाइल बहुमुखी विचारधारा के कवि थे, इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट थे, बहुत ही बुद्धिजीवी कवि थे, क्रिटिक भी थे, क्रिटिक माने आलोचक होता है, और ड्रामाटिस्ट नाटककार भी थे, है ना, ट्रांसलेटर भी थे, ट्रांसलेटर अनुवादक भी थे, और एडिटर संपादक भी थे। इतने सारे गुण इनके अंदर थे, है ना, ये बहुमुखी विचारधारक, पहले कहा गया कि ये बहुमुखी विचारधारक है, बुद्धिजीवी कवि थे, यानी आलोचक भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, अनुवादक भी थे और संपादक भी थे। He was born on, उनका जन्म 21 फरवरी 1907 में इंग्लैंड के यॉर्क में हुआ था। इंग्लैंड के यॉर्क में कब हुआ था? 21 फरवरी 1907 में इंग्लैंड के यॉर्क में किनका जन्म हुआ था? W.H. Auden का जन्म हुआ था। मेरे बच्चे किनका जन्म हुआ था? W.H. Auden का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 21 फरवरी 1907 को इंग्लैंड के यॉर्क में हुआ था। He left England, बाद में इंग्लैंड छोड़ दिए, है ना, He left England as 1939 to settle permanently in USA. 1939 में इंग्लैंड छोड़कर, है ना, कहाँ चले गए? अमेरिका में जाकर बस गए। इंग्लैंड छोड़कर ये अमेरिका में जाकर सेटल हो गए, अमेरिका में बस गए। कब इंग्लैंड छोड़े थे? 1939 में। सो हिज वर्क इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। तो इनके कामों को दो फेज में बांट दिया गया, ब्रिटिश और अमेरिकन फेज। इंग्लैंड में जब तक रहकर जो भी कहानियां वगैरह लिखे वो ही ब्रिटिश फेज हो गया, फिर अमेरिका में बसने के बाद जो लिखे वो अमेरिकन फेज हो गया। द नोटेबल वर्क ऑफ इंग्लिश, है ना, पेजेज आर, मतलब इंग्लैंड में रहकर जो भी उन्होंने रचना की उसकी चर्चा, है ना, कर रहे हैं हमारे कवि के, जैसे द ओरेटर इंग्लैंड में रहकर लिखे थे, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर्स, स्पैन एंड अनदर टाइम, ये सब इंग्लैंड में रहकर लिखे थे।
द नोटेबल वर्क ऑफ अमेरिका, है ना, फेजे जा। और फिर ये देखिए इंग्लैंड में रहकर ये सब लिखे थे, और अब कह रहा अमेरिकन फेज, अमेरिका में बसने के बाद क्या क्या इन्होंने लिखा था उसकी चर्चा कर रहे हैं। कह रहे अमेरिका में जाने के बाद इन्होंने अमेरिकन फेज जो था इनका, है ना, वो क्या था, न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी, द सिल्ट ऑफ एचिल्स, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये सब था इनकी अमेरिकन, है ना, फेज का, अमेरिका में जाने का। ये अमेरिकन जो अभी कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अगर पूछ दे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस फेज का है, तो आप बोलेंगे अमेरिकन का है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे, अमेरिकन फेज का बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमेरिकन फेज का है ये। क्या बोलेंगे, अमेरिकन फेज का है, ठीक है। चलिए, द पोएम डिनोट्स, द पोएम डिनोट्स एस्पायरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड, द सेंस ऑफ, है ना, लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स और डाय। क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि यह जो कविता है, इस कविता में हमने व्यक्ति के इच्छा को दर्शाया है, है ना, और उन इच्छा को दर्शाया जो इच्छा कभी पूरी होती नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, उसकी कभी कोई इच्छा, किसी भी व्यक्ति की आज तक इच्छा पूरी नहीं हुई है। और यह भी सत्यता है कि इस धरती पर हम अकेले आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं, है ना। हमारे कवि W.H. Auden की मृत्यु 23 सितंबर 1973 को, 23 सितंबर 1973 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में, है ना, कहाँ हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया में। उस समय ये 66 ईयर के थे, उस समय 60 इनका उम्र हो रहा था 66, यानी 66 वर्ष की अवस्था में 23 सितंबर 1973 को ऑस्ट्रेलिया में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मेरे बच्चे, आइए अब हम लोग इनका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हम लोग Now the leaves are falling fast, written by W.H. Auden. जल्दी जवाब देते जाएंगे। जिनका जन्म कब हुआ था बच्चे, जल्दी से बोलेंगे। अभी अभी तुरंत मैंने बताया है इनके बारे में, इनका जन्म कब हुआ था। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, W.H. Auden का जन्म कब हुआ था बच्चे, 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में। W.H. Auden पुलिटजर प्राइज प्राप्त किए थे, W.H. Auden को पुलिटजर प्राइज मिला था, W.H. Auden को पुलिटजर प्राइज मिला था। वो कब मिला था मेरे बच्चे, तो 1948 में मिला था। ध्यान रखना, W.H. Auden का जन्म, W.H. Auden का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में। इनको पुलिटजर प्राइज कब मिला था, तो 1948 में मिला था। व्हाट आर फॉलिंग फास्ट, क्या गिर रहा है तेजी से, तो पत्ते गिर रहे हैं, तीर, लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आइए बच्चे, ट्री शेड देयर लीव्स इन, ट्री शेड्स देयर लीव्स इन, कब छा देता है बच्चे, समर में। हमें सबसे ज्यादा तो जरूरत होती है गर्मी के मौसम में ना, है ना। डैश द डेथ आर विस्परिंग नेबर्स, है ना, मैसेंजर ऑफ डेथ, देखिए बच्चे यही मैसेंजर ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर्स, है ना, विस्परिंग नेबर्स, है ना। मृत्यु दूत जो होते हैं उसी को कहा जाता है विस्परिंग नेबर्स, है ना, लेफ्ट एंड राइट, है ना, विस्परिंग नेबर्स मतलब मृत्यु दूत। कौन मृत्यु दूत है, तो मैसेंजर ऑफ डेथ को ही मृत्यु दूत कहते हैं। द ट्रेवलर्स आर डैश We being moving towards our death, the travelers are be human being, क्या हो जाएगा बच्चे, human being, the dash has become dumb to see the leafless tree, है ना, पत्ते विहीन वन को देखकर कौन चुपचाप हो जाता है, तो nightingale चुप हो जाता है, nightingale dumb हो जाता है। Who will not come for help, who will not come for, कौन मदद करने के लिए नहीं आएगा, who will not come for, कौन बच्चे, तो कोई देवदूत नहीं आएगा, है ना, एंजल कोई नहीं आने वाला है। चलिए, विस्परिंग नेबर्स जिसको मृत्यु दूत कहते हैं, प्लकस हम लोगों को जुदा कर देता वास्तविक खुशी से, प्लकस
द रियल डिलाइट, डिलाइट मतलब खुशी होता है मेरे बच्चे, ये हो जाएगा, है ना। जो कविता का रंग, जो यूज किया हुआ शब्द है उसके हिसाब से हमने आंसर किया है। यहाँ हैप्पीनेस भी है लेकिन यहाँ ज्यादा सुटेबल डिलाइट होगा, क्योंकि हमारे कविता में डिलाइट की चर्चा की गई। विस्परिंग नेवर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। व्हाट डज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डील विथ, हमारा ये जो कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो किस चीज को डील करता है, है ना। फ्रस्ट्रेशन को डील करता है, डिप्रेशन को डील करता है, ऑप्टिमिस्ट को या प्रिसिज्म को डील करता है। जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चे, 11 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे कि ये किस चीज को डील करता है, है ना। तो ये मेरे बच्चे फ्रस्ट्रेशन को डील करता है, निराशा को दर्शाता है। आइए बच्चे 12 नंबर देखेंगे। डब्ल्यू एच ऑर्डन बॉर्न इन एंड लेटर शिफ्ट टू, डब्ल्यू एच बॉर्डन कहां जन्म लिए, बाद में कहां शिफ्ट कर गए। तो डब्ल्यू एच ऑर्डन इंग्लैंड में जन्म लिए, अमेरिका में शिफ्ट कर गए। कहां जन्म लिए, इंग्लैंड में, कहां शिफ्ट कर गए, अमेरिका में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। फॉर विच क्रिएशन बाज डब्ल्यू एच ऑर्डन अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज से डब्ल्यू एच ऑर्डन को सम्मानित किया गया था। तो कौन सी रचना के लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था, इनकी वो कौन सी रचना थी जिसके लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। बच्चे द एज ऑफ एंजाइटी थी, क्या थी बच्चे, द एज ऑफ एंजाइटी, है ना। विच हुज वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू फेज, कौन से काम को दो फेज में बांटा गया, कौन से काम को दो फेजों में बांटा, किसके काम को दो फेजों में बांटा गया है। तो इनके डब्ल्यू एच ऑर्डन, इनके बच्चे डब्ल्यू एच ऑर्डन को अमेरिकन फेज और ब्रिटिश फेज। डब्ल्यू एच ऑर्डन डाइड एट द एज ऑफ 66, इन कहां मरे थे, 66 वर्ष की अवस्था में। वो अभी मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया में मरे थे, वो कहां बच्चे, ऑस्ट्रेलिया में मरे थे, है ना। डब्ल्यू एच ऑर्डन डाइड ऑन, डब्ल्यू एच ऑर्डन की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी बताएंगे हमें कि डब्ल्यू एच ऑर्डन की मृत्यु कब हुई थी, डब्ल्यू एच ऑर्डन की मृत्यु कब हुई थी मेरे बच्चे, जल्दी बताएंगे। क्या 25, है ना, सितंबर को हुई थी, है ना, 22 अगस्त को हुई थी, 23 सितंबर 1900, है ना, 73 को हुई थी, है ना, 23 अक्टूबर, है ना, 1972 को हुई थी। जल्दी से आप सही जवाब हमें देंगे बच्चे, कब हुई थी इनकी मृत्यु, कब हुई थी इनकी मृत्यु, डब्ल्यू एच ऑर्डन की मृत्यु कब हुई थी, इनमें से कौन आपका जवाब है, देखते हैं आप कौन सबसे पहले जवाब देते हैं, है ना, बताइए बच्चे। देखिए हमारा सही आंसर है 23, है ना, सितंबर 1973, 23 सितंबर 1900। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैंने अभी अभी तुरंत आपको पढ़ाया था ये चीजें, है ना, 23, देखिए बच्चे 23 सितंबर 1973 है क्या, 23 सितंबर 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी, 23 सितंबर 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। और यही हमसे पूछ रहा है कि डब्ल्यू एच ऑर्डन की मृत्यु कब हुई थी, तो 23 सितंबर 1973 को हुई थी। क्लियर है, आइए चौथा नंबर कविता पर चलते हैं हम लोग। चौथा में क्या है बच्चे, ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम जॉन किट्स की यह रचना है। ऑड टू ऑटम, जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट है जिनको कि प्रकृति से बड़ा लगाव है। अक्सर बच्चे रोमांटिक मतलब प्यार मोहब्बत समझते हैं, बच्चे नहीं, जो प्रकृति से लगाव रखते हैं उनको रोमांटिक पोएट कहा जाता है, वो जॉन किट्स उसी तरह के हैं, है ना। कह रहे हैं कि द पोएम ऑड टू ऑटम इज कंपोज्ड बाय ब्रिटिश पोएट, ये इंग्लैंड के हैं, ब्रिटिश पोएट हैं जॉन किट्स, है ना। ये जो बसंत की गीत नामक इन्होंने कविता की रचना की है वो जॉन किट्स हैं, और ये इंग्लैंड के कवि हैं। ये क्या है बच्चे, जॉन किट्स इंग्लैंड के कवि हैं, इनका जन्म, है ना, इंग्लैंड के कवि। देखिए इनका जन्म ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए इनका जन्म 31 अक्टूबर इनका जन्म है ना 31 अक्टूबर, बताएंगे 31 अक्टूबर 1795 में, और मृत्यु 23 फरवरी 1821 में। ये ध्यान रखेंगे 1795 और 1821, ये तो जैसे ही क्लियर हो गया कि 1795 तो अगला 1800 ही होगा, 1821
1795-1821 1795 में जन्म हुआ, 1821 में इनकी मृत्यु हो गई, है ना। 31 अक्टूबर को जन्म हुआ और 23 फरवरी को इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। इनका जन्म मूनफील्ड इन लंदन, लंदन में मूनफील्ड में इनका जन्म हुआ था, है ना। ही वाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट और बॉक्सिंग, क्रिकेट और बॉक्सिंग में इनको बड़ा लगाव है, क्रिकेट और बॉक्सिंग से इनको बहुत लगाव है। दिस एम्बिशन, है ना, दिस एम्बिशन टू बिकम ए पोएट वाज फायर्ड बाय द एक्वेंटेंस विथ स्पेंसरीज फेरी क्वींस। कह रहे इन्हें कवि बनने की जो इनकी इच्छा थी, अभिलाषा थी, वो तब जाकर पूरी हुई और ज्यादा प्रज्वलित हुई जब वो फेरी क्वीन से मुलाकात किए, सेंस, है ना, स्पेंसर की फेरी क्वीन से जब इनकी मुलाकात हुई तो कवि बनने की जो इनकी अभिलाषा थी वो और ज्यादा प्रज्वलित हो गई थी। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे बच्चे, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन थी, तो ऑन इंडोलेंस इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ना, टू साइट ये भी, है ना, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ऑन मेलनचोली महत्वपूर्ण रचना है, ऑन ए ग्रीशियन और इनकी महत्वपूर्ण रचना है, टू ए नाइटिंगल और टू ऑटम जो अभी आप पढ़ रहे हैं, है ना, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस से इनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में 26 वर्ष की मात्र अवस्था में हो गई, है ना, 26 वर्ष की अवस्था में मात्र इनकी मृत्यु हो गई, है ना। ट्यूबरकुलोसिस से इनकी मृत्यु हुई थी, ट्यूबरकुलोसिस टीबी से, है ना। इन पोएम, ये जो पोएम है डब्ल्यू एच ऑर्डन, है ना, डिस्क्राइब्स मेमोरीज मेमोरेबल पिक्चर ऑफ ऑटम एंड ब्यूटीफुल नेचर। इस कविता में कवि जॉन किट्स ने बसंत की यादगार तस्वीरों को और प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने की कोशिश किया है, बसंत के यादगार तस्वीरों को दर्शाया। बसंत ऋतु ऐसी होती है जो फलों से भरी होती है, हरियालियों से भरी होती है, है ना, तो ऊर्जा से भरी हुई ऋतु होती है और प्रकृति की सुंदरता की चर्चा इन्होंने यहाँ किया है, है ना, प्रकृति की सुंदरता की चर्चा इन्होंने यहाँ पे किया है। अब देखिए ना बच्चे, कितना कम उम्र रहा इनका, 1795 और 1821, तो 21 साल इधर और 95 और पाता नहीं, मात्र 26 साल ये जीवित रहे थे, 26 साल में ये मर गए थे। और इतना, और 26 साल में इस तरह का काम करके गए कि आज पूरी दुनिया इनको याद करती है, ये अमर हैं, है ना, कहानियों में, कविताओं में इनकी रचनाएं आज भी हम लोग को पढ़ने को मिलता है। इसलिए हम लोग को भी कम समय में कुछ ऐसे कुछ कर देना है, ऐसे कोई कार्य आप लोग को कर देना है जिससे सदा आपको ये दुनिया हमेशा याद रखे, है ना। चलिए आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं बच्चे। टू ऑटम इज रिटेन बाय जॉन किट्स, क्लियर है। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस, ये ऐसा सीजन मौसम है जहाँ फल भरा हुआ रहता है, फलों की कमी नहीं होती है। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, है ना, जॉन किट्स जो है वो प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी हैं, बहुत बड़े प्रेमी हैं जॉन किट्स। ऑटम स्टार्ट्स विथ द डिपार्ट ऑफ डैश सीजन, कह रहा है कि ऑटम जो है ये किस सीजन के जाने के बाद शुरुआत होता है, ऑटम की शुरुआत किस सीजन के जाने के बाद होता है, जल्दी से बताएंगे, सिंपल है सब। जल्दी से बोलेंगे बच्चे, ऑटम जो है वो किस सीजन के बाद आता है, ऑटम किस सीजन के बाद आता है, ऑटम किस सीजन के बाद आता है, ऑटम किस सीजन के बाद आता है बच्चे, विंटर सीजन के बाद आता है, बहुत सिंपल है, विंटर सीजन के बाद आता है, सॉरी कहाँ चले गए, यहाँ विंटर सीजन के बाद आता है, यहाँ नहीं बच्चे, मैं था यहाँ पे ना, 4 नंबर क्वेश्चन में। ऑटम स्टार्ट्स विद डिपार्चर ऑफ विंटर, ठीक है, फिर कह रहा है इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट
ऑन ट्री, तो ऑटम में ये सब होता है ना, कि इन ऑटम न्यू लीव्स, नए पत्ते और फल लगते हैं पेड़ों पर, है ना, इन ऑटम आंसर हो जाएगा ऑटम। डैश ट्यूटर इन द स्काई, जल्दी बोलिएगा बच्चे, सोलोज हिडेज क्रिकेट किजन रेड प्रिस्ट, जल्दी से बोलेंगे। सिक्स नंबर डैश ट्यूटर, कौन आकाश में चाचाता, कौन आकाश में कलरव करता है, कौन आकाश में कलरव करता है, जल्दी से बोलेंगे, कौन आकाश में कलरव करता है, तो सोलोज आकाश में कलरव करता है, सोलोज है ना, इन चिड़ियों का झुंड, चिड़ियों का झुंड। जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ, जॉन किट्स की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी, अभी मैंने बताया था 26 वर्ष की मातृवस्था में। बोलेंगे बच्चे अगला सवाल है आपके पास, जॉन किट्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ना, जॉन किट्स के अनुसार ना सुंदरता, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु क्या है, है ना, सुंदरता कह रहा है अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज, है ना, सुंदरता की वस्तु है क्या भाई, ए जॉय फॉर इवर, खुशी के लिए है, थ्रस्ट फॉर इवर, लस्ट फॉर इवर, हंगर फॉर इवर, बच्चे सुंदरता की चीजें तो हमेशा जॉय फॉर इवर, आनंद लेने की चीज होती है। जॉन किट्स बाज डाइड ऑफ, जॉन किट्स की मृत्यु किससे हुई थी, तो ट्यूबर क्लॉसिस से हुई थी, किससे हुई थी बच्चे, ट्यूबर क्लॉसिस से हुई थी, ट्यूबर क्लॉसिस से हुई थी, जॉन किट्स की मृत्यु किससे हुई थी, ट्यूबर क्लॉसिस से हुई थी, ट्यूबर क्लॉसिस से हुई थी। द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन किट्स वाज पब्लिश्ड इन, जॉन किट्स का जो पहला कविता था वो कब पब्लिश्ड हुआ था, जॉन किट्स का जल्दी बताएंगे, जॉन किट्स का जो पहला कविता था वो कब पब्लिश्ड हुआ था, पहला कविता कब पब्लिश्ड हुआ था मेरे बच्चे, 1817 में पब्लिश्ड हुआ था, कब पब्लिश्ड हुआ था, तो 1817 में पब्लिश्ड हुआ था, 1817 में पब्लिश्ड हुआ था। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन किट्स बाज पब्लिश, सॉरी 1814 में हुआ था, फर्स्ट पोएम पूछ रहा है, जॉन किट्स का पहला पोएम कब प्रकाशित हुआ था, तो पहला पोएम मेरे बच्चे 1814 में प्रकाशित हुआ था, 1814 में प्रकाशित हुआ था। जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम पोएट बाज फायर्ड, जॉन किट्स का जो अभिलाषा था कि हमें कवि बने, ये कब ज्यादा प्रज्वलित हुआ, जब वो फेरी क्यून से मिली थी, है ना, तब से, है ना, जब फेरी क्वीन से, स्पेंसर की फेरी क्वीन से मुलाकात हुई, तब से और ज्यादा इनके अंदर कवि बनने की, है ना, अभिलाषा प्रज्वलित हुई। जॉन किट्स बाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, पोएट्री, बॉक्सिंग, ऑल ट्रू, सब, बॉक्सिंग में भी पूरा इंटरेस्ट था, पोएट्री भी करते थे और क्रिकेट में भी पूरा इंटरेस्ट था इनको, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे, ऑल हो जाएगा यहाँ पे। ये बच्चे हम लोग पांचवा पोएम पे चलते हैं, अन एपिटाफ, मकबरा जिसे हम लोग कहते हैं, वाल्टर डिलमेयर साहब की रचना है, है ना, अन एपिटाफ किनकी रचना है बच्चे, वाल्टर डिलमेयर की रचना है ये, मकबरा अपनी पत्नी के बारे में ये वाल्टर डिलमेयर साहब ने लिखा था, उनकी सुंदरता के बारे में चर्चा किया था इसमें, कि उनसे सुंदर पश्चिमी देश में कोई महिला नहीं है। इनका जन्म 25 अप्रैल 1873 में हुआ था, वाल्टर डिलमेयर का, है ना, ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, है ना, केंट चार्ल्टन के गांव में हुआ था, केंट में इनका जन्म हुआ था। यूनाइटेड किंगडम मतलब क्या होता है, इंग्लैंड, अभी मैंने बताया था ना, यूनाइटेड किंगडम यूके हो गया, है ना, तो इंग्लैंड हो गया। तो 25 अप्रैल 1873 को वाल्टर डिलमेयर साहब का जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, मात्र 4 ही वर्ष के थे वाल्टर डिलमेयर, इन्होंने अपने पिता को खो दिया था, हैड टू मूव, इसके बाद इनका पूरा परिवार इनको लेकर लंदन चला आया था, इसके बाद इनके पूरा परिवार कहां लेकर चले आए बच्चे, है ना, चार्टन केंट से लंदन आ गए थे। हिज स्पाउस इल्फ्रीडा इंपिन, है ना, इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था इल्फ्रीडा इंपिन, से इनकी शादी हुई थी, 1899 में शादी हुई थी और 1943 तक इनकी शादी चली थी। ही वाज एजुकेटेड
फ्रॉम संत पॉल कैथेड्रल स्कूल, संत पॉल कैथेड्रल स्कूल से इनकी पढ़ाई हुई थी, संत पॉल कैथेड्रल स्कूल से इनकी पढ़ाई हुई थी। ही वॉज ब्रिटिश पोएट, है ना, वाल्टर डी ला मेयर साहब इंग्लैंड के कवि हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और उपन्यासकारक भी, यानी नोवेल भी लिखते थे, लघु कहानी भी लिखते थे और कविता भी लिखा करते थे वाल्टर डी ला मेयर साहब, है ना। He is known for his sensitive concern with poet and the word of supernatural, है ना। ये अपने संवेदन, देखिए सेंसेटिव कंसर्न मतलब क्या होता है, संवेदनशीलता पूर्वक लेखन के लिए जाने जाते थे, एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचर अलौकिक दुनिया के बारे में लेखन किया करते थे, बच्चों को बड़ा पसंद आता था, काल्पनिक जो घटनाएं होती थी काल्पनिक कहानियां खूब लिखते थे, बच्चों को बड़ा पसंद आता था इनकी कहानियां। ही वॉज अवार्डेड फॉर हिज मैरिट, अपनी इनकी, हमारे जो कवि हैं वाल्टर डी ला मेयर साहब, इनकी विद्वता के लिए इन्हें सम्मानित की थी यहाँ की महारानी, इंग्लैंड की महारानी सम्मानित की थी, है ना, इंग्लैंड की जो महारानी थी सेकंड एलिजाबेथ सेकंड, इंग्लैंड की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ सेकंड, वो 1953 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मैरिट नामक सम्मान से सम्मानित की थी। ऑर्डर ऑफ मैरिट से कब सम्मानित किए गए थे, 1953 में, कौन सम्मानित की थी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, है ना। ही वाज डाइड ऑन 22 जून 1956, 22 जून 1956 को 83 वर्ष की अवस्था में इनकी इंग्लैंड में मृत्यु हो गई थी, 22 जून 1956 में 83 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। 1953 में इनको क्या मिला था, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी शादी 1899 में हुई थी और जन्म 1873 में हुई थी, जन्म कब हुई थी, 1873 में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी बच्चे, इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1956 में हुई थी। आइए बच्चे सवाल देख लेते हैं, आप लोग जवाब देंगे, आई थिंक सब पढ़ा हुआ है तो जल्दी से जवाब दे देंगे, है ना, क्या देंगे जवाब मैं देखता हूँ। द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये जो सुंदर महिला थी अपनी पत्नी को ये सुंदर महिला बता रहे थे, वो किस देश से बिलोंग करती थी, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, मेरे बच्चे वेस्ट से, वेस्ट कंट्री से, है ना। एन एपिटाफ इज रिटन बाय, किसने लिखा, तो वाल्टर डी ला मेयर साहब ने लिखा। द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, तो ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, को लगता था सुंदरता सदा टिकाऊ नहीं होता है, है ना। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल हर, है ना, तो हमारे कवि ऐसा महसूस करते थे कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनको कोई याद नहीं करेगा, तो रिमेंबर हो जाएगा, नो बडी विल रिमेंबर हर। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डैश बाज सी, अब वहां पर खाली स्थान है, कविता का लाइन कह रहा है कि क्या होगा आगे, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइट ऑफ अ स्टेप, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट बाज सी, ये हो जाएगा मेरे बच्चे, कविता का लाइन यही था कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट बाज सी, वो बहुत चंचल चितवन वाली थी। वाल्टर डी ला मेयर बाज अवार्डेड विद डैश बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, है ना, तो वाल्टर डी ला मेयर को अवार्ड मिला था, सम्मानित किया गया था किसके द्वारा, है ना, इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, किससे, तो ऑर्डर ऑफ मैरिट से, अभी तुरंत मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैरिट से सम्मानित किए गई थी ये। आइए बच्चे नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लें। वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ, वो वाल्टर डी ला मेयर हमें बहुत ज्यादा, है ना, सचेत करते हैं, है ना, अवेयर करते हैं किसके लिए, तो एंटी एंथ्रोपोलॉजिकल कंडीशन के लिए, इन ह्यूमन कंडीशन के लिए, ह्यूमन कंडीशन के लिए, इन सेंसेटिव कंडीशन के लिए, जल्दी से बताएंगे बच्चे, 7 नंबर की, वाल्टर डी ला मेयर साहब हमें अवेयर करते हैं, हमें अवेयर करते हैं, है ना। जल्दी से बोलेंगे बच्चे, वाल्टर डी ला मेयर साहब हमें अवेयर करते हैं किसके लिए, तो इन ह्यूमेन कंडीशन के लिए, किसके लिए बच्चे,
इनह्यूमेन कंडीशन के लिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाल्टर डी ला मेयर वाज अ डैश राइटर, है ना। ये कहाँ के हैं, ब्रिटिश हैं, अमेरिकन हैं, इंडियन हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, जल्दी बताएंगे बच्चे कहाँ के हैं ये। ब्रिटिश राइटर है ये, कहाँ के हैं बच्चे, ब्रिटिश राइटर है। आइए बच्चे द सोल्जर पे आ गए हम लोग, है ना, सिक्स नंबर पे आ गए हम लोग। द सोल्जर सिपाही, एक सिपाही के बारे में बताया था, इसमें एक सिपाही की इच्छा की चर्चा की गई थी जो अपने देश के लिए कुर्बान है, जो कहता है कि मेरा रोम रोम इस देश के लिए कुर्बान है, हमारा सब कुछ जो है हमने इस धरती से ही प्राप्त किया है, इसलिए सबसे पहला अधिकार मेरे शरीर पर, मेरे जीवन पर किसी का है तो इंग्लैंड की धरती माँ की है। रॉबर्ट, है ना, रूपर्ट ब्रूक जो है एक सिपाही है और हमारे कवि भी हैं, और उन्होंने ही लिखा द सोल्जर नामक कविता, है ना। तो ये पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति कविता है, है ना, रॉबर्ट ब्रूक ने इसे लिखा है। He was the most handsome young man of England according to the greatest poet of W.B. Yeats. इनके बारे में W.B. Yeats एक महान कवि थे जिन्होंने इनको चर्चा करते हुए इनके बारे में कहा था कि सबसे हैंडसम और सबसे युवा इंग्लैंड के, है ना, कवि हैं, सबसे हैंडसम है, इनके बारे में कहा गया। रूपर्ट ब्रूक के बारे में कौन बोले थे, रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक के बारे में किसने कहा था, तो डब्ल्यू बी एट्स ने कहा था, डब्ल्यू बी एट्स ने कहा था, डब्ल्यू बी एट्स साहब ने कहा था कि ये क्या है, तो ये हैंडसम है, हैंडसम है और अंगेस्ट है, अंगर है, अंगेस्ट पोएट है, मैंने सबसे युवा और सबसे सुंदर क्या है, ये कवि हैं, कौन, रूपर्ट ब्रूक साहब, है ना, रूपर्ट ब्रूक के बारे में ऐसा कहा गया। तो उसने कहा था, डब्ल्यू बी एट साहब ने कहा, क्या कहा, कि रूपर्ट ब्रूक जो है, है ना, ये जो रूपर्ट ब्रूक है, रूपर्ट ब्रूक जो है वो क्या है, हैंडसम और अंगमैन है, इंग्लैंड के सबसे युवा कवि और सबसे सुंदर कवि, ये बात किसने कहा था, डब्ल्यू बी एट साहब ने कहा था। आई बच्चे, He was born on 3rd August 1887. इनका जन्म 3 अगस्त 1887 में इंग्लैंड के रग्बी नामक जगह पर हुआ था, इंग्लैंड के रग्बी नामक जगह पर, याद रखेंगे, इंग्लैंड के रग्बी नामक जगह पर इनका जन्म 3 अगस्त 1887 को हुआ था, 3 अगस्त 1887 को हुआ था। किनका जन्म हुआ था, तो रूपर्ट ब्रूक का हुआ था, है ना, रूपर्ट ब्रूक का हुआ था, रूपर्ट ब्रूक का हुआ था। किनका जन्म हुआ था, रूपर्ट ब्रूक का, कब हुआ था, 3 अगस्त 1887 को इंग्लैंड के रग्बी नामक स्थान पर इनको, है ना, ही गॉट एजुकेशन, इन्होंने शिक्षा रग्बी स्कूल, फिर किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था। कौन यूनिवर्सिटी, तो कैम्ब्रिज से, रग्बी स्कूल, किंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त किया था, अपनी शिक्षा प्राप्त किया था। रूपर्ट ब्रूक जो थे वह अभी बार पोएट के रूप में युद्ध याद किए जाते हैं, युद्ध कवि के रूप में याद किए जाते हैं, इन्हें बार पोएट कहा जाता है, युद्ध कवि के रूप में इन्हें याद किया जाता है, है ना, जिनका जन्म 1887 में हुआ था, 1887 में हुआ था मेरे बच्चे, 1887 में हुआ था। अब देखिए इनका क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से जवाब देते चलेंगे। द सोल्जर इज रिटन बाय, इनके द्वारा, रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, बच्चे लव पोएम, ये बार पोएम है, है ना, ये यहाँ अगर पैट्रियोटिक होता तो पैट्रियोटिक पोएम हो जाता। द डस्ट स्टैंड्स फॉर द फार्मर टीचर, किसके लिए, सिपाही के लिए आया है यहाँ डस्ट। डैश इज इनिविटेबल, डेथ इज इनिविटेबल, क्या सत्य है, तो मृत्यु सत्य है, है ना। चलिए, विच पोएम इज ए सोनेट, कौन सा कविता जो है वो सोनेट है, कौन सा कविता सोनेट है, तो द सोल्जर सोनेट है। द सोल्जर क्या है बच्चे, सोनेट है, द सोल्जर क्या है, सोनेट है, द सोल्जर क्या है बच्चे, सोनेट है, द सोल्जर क्या है, सोनेट है। सोनेट किसे कहते हैं, अब सवाल है कि सोनेट किसे कहते हैं, सोनेट किसे कहते हैं, सवाल है कि सोनेट किसे कहते हैं, जो 14 लाइन का कविता होता है उसे सोनेट कहते हैं। कह रहा है क्या,
कि विच पोएम इज सोनेट, तो 14 लाइन का जो कविता होता है, 14 लाइन का जो कविता होता है उसको सोनेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। क्लियर है ए पोएम। अगला सवाल, द डैश इज पैट्रियोटिक पोएम। अगला सवाल जवाब दीजिएगा, कौन पैट्रियोटिक पोएम है, तो द सोल्जर देशभक्ति कविता है, देशभक्ति कविता है, है ना। ए पोएम कंसिस्टिंग डैश लाइन इज ए सोनेट। देखिए आ गया फिर वही, कितने लाइन वाला कविता को हम सोनेट कहते हैं, 14 लाइन वाले कविता को सोनेट कहते हैं, 14 लाइन वाले कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं, 14 लाइन वाले कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। फिर कह रहे हैं द फर्स्ट डैश लाइन आर कॉल्ड, उस 14 लाइन में जो पहला 8 लाइन होता है उसको हम ऑक्टेवा कहते हैं, ऑक्टेवा कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 लाइन, पहला जो 8 लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेवा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है ये सोनेट ऑक्टेवा सेस्टेट, ये हमेशा पूछता है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। पहला जो 8 लाइन होता है, फर्स्ट जो 8 लाइन होता है उसको ऑक्टेवा कहते हैं, और 14 लाइन का जो कविता होता है उसको सोनेट कहते हैं। द लास्ट डैश लाइन इज नोन सेस्टेट, तो द लास्ट 6 लाइन जो अंतिम 6 लाइन होता है मेरे बच्चे, तभी ना 8 × 6 = 14 होगा कि नहीं, 8 × 6 = 14, फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेवा, लास्ट का कितना बचा 6 लाइन सेस्टेट, है ना, इक्वल टू 14, और 14 लाइन की कविता को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जल्दी बोलेंगे, सोनेट बोलते हैं। चलिए बच्चे समझ में आ गया होगा। ए पल्स इन द डैश माइंड नो लेस, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, मेरे बच्चे इटर्नल माइंड, हमारे हृदय में, हमारे धड़कनों में हमेशा जब भी, है ना, नाम आए तो वो इंग्लैंड की है, इंग्लैंड के लिए हमारी धड़कन धड़के, ये सिपाही का कहना था, है ना, वहीं पे यहाँ चर्चा किया, ये पल्स इन द इटर्नल माइंड हो जाएगा मेरे बच्चे। आइए 11 नंबर, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, तो मुझे उसी विदेशी सरजमी में दफना दिया जाए, कौन जमीन में बच्चे, तो विदेशी सरजमी में, तो वहां क्या हो जाएगा, फॉरेन फील्ड हो जाएगा। रूपर्ट ब्रूक बाज डाइड बिकॉज ऑफ, रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु किस कारण से हुई थी मेरे बच्चे, जल्दी बोलेंगे, रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु, है ना, किस बीमारी के कारण हुई थी। 12 नंबर सवाल, रूपर्ट ब्रूक बाज डाइड बिकॉज ऑफ, रूपर्ट ब्रूक डाइड बिकॉज ऑफ, जल्दी बोलेंगे बच्चे, ये ट्यूबरक्लोसिस से इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, है ना, एनीमिया से भी नहीं, टेरिया से भी नहीं, इनकी मृत्यु हुआ था स्पेक्टिकेमिया से, स्पेक्टिकेमिया से, ये बर्फीली क्षेत्र में युद्ध पर गए हुए थे, घाव हो गई थी, घाव ठीक नहीं हो रहा था और उस कारण से इनको स्पेक्टिकेमिया नामक बीमारी हो गई थी और इनकी देहांत हो गई थी, तो स्पेक्टिकेमिया याद रखेंगे बच्चे, इनकी मृत्यु स्पेक्टिकेमिया से हुई थी। द पोएम द सोल्जर गिव्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, ये जो कविता है ये किस चीज का मजबूत सेंस देता है, तो ये बच्चे देशभक्ति का मजबूत सेंस देता है, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का, है ना, पैट्रियोटिज्म का मजबूत सेंस देता है। इस तरह से द सोल्जर भी हमने कंप्लीट किया। आइए बच्चे हम लोग मैकाविटी द मिस्ट्री कैट पे आ जाते हैं, 7 नंबर पोएम हमारा, हमने 6 कंप्लीट कर लिया, ये 7 नंबर पोएम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, है ना, मैकाविटी बिल्ली का नाम है, मिस्ट्री मतलब रहस्यमयी होता है, है ना, मैकाविटी रहस्य, रहस्यमयी बिल्ली, रहस्यमयी बिल्ली, मैकाविटी रहस्यमयी बिल्ली, जिसकी रचना टीएस इल्वर्ट ने किया था मेरे बच्चे, टीएस इल्वर्ट ने किया था इसकी रचना, टीएस इल्वर्ट ने किया था इसकी रचना, है ना, जिनका पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट, शॉर्ट में हम लोग टीएस इल्वर्ट बोलते हैं, थॉमस स्टर्न इलियट, इनका जन्म, है ना, ये मेरे बच्चे ऐसे इसमें निबंध लिखते हैं, प्ले राइटर भी हैं, नाटक भी लिखते हैं, पब्लिशर प्रकाशक भी हैं, और वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोएट, और एक महत्वपूर्ण कवि भी हैं, और ये सब कहाँ, किस शताब्दी के ये हैं, तो 20वीं शताब्दी के हैं, 20th century के हैं, पूछ दें कि टीएस इलियट किस शताब्दी के कवि हैं, 20th century के हैं, 20th century के हैं, किस शताब्दी के, 20th century के हैं। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888 में, 26 सितंबर 1888 में कहाँ हुआ था, तो संत लुइस मिसौरी में, अमेरिका में, संत लुइस अमेरिका के, संत लुइस मिसौरी में, अमेरिका के संत लुइस
मिसौरी में, यूएसए लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, अमेरिका के संत लुइस मिसौरी में हुआ था, बाद में जाकर ये भी इंग्लैंड में बस गए थे। जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888 में, कहां हुआ था, अमेरिका में बस गए थे, इंग्लैंड में। ही गॉट एजुकेशन फ्रॉम मेटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, इन्होंने अपनी शिक्षा मेटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था, हार्वर्ड है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था। हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर, इनकी जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय कविताएं हैं वो है वेस्टलैंड, मर्डर इन कैथेड्रल, फोर क्वार्टेट्स और प्रेजेंट पोएम जो हम पढ़ रहे हैं अभी, मैका विटी द मिस्ट्री कैट, ये सब इनकी लोकप्रिय कविताएं हैं। कौन कौन बच्चे, तो वेस्टलैंड, मदर इन कैथेड्रल, फोर क्वार्टेट्स एंड प्रेजेंट पोएम कौन, मैका विटी द मिस्ट्री कैट। ही वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इन्हें इनके साहित्य के लिए 1948 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, टीएस इल्वर्ट साहब को, टीएस इल्वर्ट जिन्होंने लिखा मैका विटी द मिस्ट्री कैट, 1948 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 4 जनवरी 1965 को, इनकी मृत्यु 4 जनवरी 1965 को है ना, इंग्लैंड के लंदन में 76 साल की उम्र में हुआ था, इंग्लैंड के लंदन में 76 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी मेरे बच्चे। कब मृत्यु हो गई थी बच्चे, बोलेंगे कब मृत्यु हुई थी, जल्दी से बोलेंगे हमें इनकी मृत्यु कब हुई थी, 4 जनवरी 1965 को 76 वर्ष की अवस्था में लंदन में हो गई थी, लंदन में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखेंगे सवाल बच्चे, बताएंगे जवाब इसका क्या होगा, पहला सवाल देखेंगे, मैका विटी इज कॉल्ड, मैका विटी इज कॉल्ड, मैका विटी क्या कही जाती, मैका विटी को क्या कहा जाता था, द हिडन पॉ कहा जाता था मेरे बच्चे, यही होगा, द हिडन पॉ कहा जाता था, छुपा हुआ पंजा कहा जाता था। मैका विटी जो बिल्ली है वो कोई भी घटना को अंजाम देती थी, कोई कहीं चिन्ह, कोई भी इविडेंस नहीं छोड़ती थी, प्रमाण नहीं छोड़ती थी, इसलिए इन्हें हिडन पॉ कहा जाता था, छुपा हुआ पंजा कहा जाता था, इसके पैर का निशान कहीं नहीं मिलता था। डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, कौन है ना अपराधी, सातिर अपराधी है भाई, तो मैका विटी सातिर अपराधी है। मैका विटी मूव्स लाइक ए स्नेक, स्नेक है ना, स्नेक की तरह मूव करता है ये। द पोएम कंपेयर्स मैका विटी है ना, उसको नेपोलियन से इन्होंने कवि ने इसकी तुलना की है। मैका विटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय टीएस इल्वर्ट साहब, टीएस इल्वर्ट अवार्डेड विद नोबेल प्राइज, क्या होगा बच्चे, नोबेल प्राइज हो जाएगा, नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया था 1948 में। कौन सा प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया था, तो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। टीएस इल्वर्ट वाज बोर्न इन, टीएस इल्वर्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म अमेरिका में हुआ था लेकिन बाद में इंग्लैंड में बस गए थे। कहाँ जन्म हुआ था बच्चे, अमेरिका में, लेकिन बाद में इंग्लैंड में बस गए थे। टीएस इल्वर्ट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड, अचानक ये इंग्लैंड में बस गए थे, सेटल मैंने बस जाना, तो इंग्लैंड में बस गए थे। मैका विटी इज ए डैश कैट, मैका विटी इज ए जिंजर कैट, मैका विटी इज ए जिंजर कैट। टीएस इल्वर्ट वाज ए डैश रिलीजन, टीएस इल्वर्ट धर्म से क्या थे, जल्दी से जवाब देंगे मुझे, टीएस इल्वर्ट धर्म से, कौन से धर्म के कवि थे, जल्दी से बोलेंगे बच्चे, टीएस इल्वर्ट कौन से धर्म के कवि थे, ये कैथोलिक थे मेरे बच्चे, एंग्लो कैथोलिक थे, एंग्लो कैथोलिक थे टीएस इल्वर्ट, याद रखिएगा, एंग्लो कैथोलिक थे, कैथोलिक याद रहेगा तो याद रह जाएगा मेरे बच्चे। आइए हम लोग 8वां नंबर पोएम पे चलते हैं, फायर ह्यूमन है ना, आग की स्तुति, के अंदरवाला ने लिखा है आग के बारे में, कि आग में लोग जाकर मृत शरीर को जरूर डाल देते हैं ये सोच कर कि है ना शुद्ध हो जाएगा, आग पूरी शरीर को अपने लपेटे में ले लेगा, पूर्णता जलाकर राख कर देगा, लेकिन कभी कभी आग भी अपना काम करना भूल जाती है ना, और ये भी गलती, इनसे भी भुलक्कड़पन का गलती और भूल होता है, इनसे भी चूक हो जाती है। तो हम तो मनुष्य हैं, आग से स्तुति हो रही है, हमारे जो कवि हैं
वो पारसी हैं और पारसी में क्या होता है कि मृत शरीर को आग के हवाले करना गुनाह होता है। वो लोग आग को बहुत पवित्र मानते हैं, आग को दूषित नहीं करना चाहते हैं। उन लोग जब कोई मरता है तो टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाकर उसे छोड़ देते हैं, चील के हुए गिद्ध नोच नोच के खाते हैं, उनका यही तरीका है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। तो हमारे कवि के साथ भी ऐसा होता है कि एक बार वो गलती से हिंदू रीति रिवाज से अपने प्रथम नवजात शिशु जो मृत हो गया था, किसी कारण से मृत्यु हो गई थी, उसको आग के हवाले कर देते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है इससे कि हमने आग को दूषित कर दिया। एक बार वो घाट पर भी, शमशान घाट पर घूमते हुए अपने पिताजी के साथ जा रहे थे, तो वहाँ से जब गुजर रहे थे उन्होंने देखा था कि जो लाश जल रही थी उसके बहुत सारे शरीर के अंग अधजले रह गए थे। बहुत दुख हुआ था इन्हें, है ना, चूंकि इनके धर्म में ऐसी इजाजत नहीं है कि वो मृत शरीर को आग के हवाले कर दें, और इन्होंने किया था। इसके लिए आग से ये प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, विनती कर रहे थे, इस गलती के लिए मुझे माफ कर दिया जाए। द फायर ह्यूमैन लिखा गया है इसके लिए बच्चे। तो केकेएन दारूवाला जो भारत के कवि हैं, इंडियन है ये पोएट, है ना, भारतीय कवि हैं, इंडियन है केकेएन दारूवाला, जिनका जन्म 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था साहित्य में योगदान देने के लिए। 1984 में इन्हें साहित्य अकेडमी, है ना, अवार्ड मिला था। किस चीज के लिए मिला था? इनके पोएम के कलेक्शन के लिए, इनकी कविता के संग्रह के लिए। इन्होंने जो शानदार कविताओं की रचना की इसके लिए इन्हें मिला था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। कब मिला था? 1984 में मिला था। ही वाज आल्सो अवार्डेड बाय पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जिसे कहा जाता है द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और ये मिला था 2014 में, है ना, इन्हें 2014 में भारत के चतुर्थ नागरिक पुरस्कार, जिसे पद्मश्री कहते हैं, उससे सम्मानित किया गया था। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी इन्हें 1984 में सम्मानित किया गया था, है ना, 1984 में सम्मानित किया गया था, और 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, द कीपर ऑफ द डेथ, अंडर ओरियन और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं हैं, तो केकेएन दारूवाला की रचना है, केकेएन दारूवाला की रचना है। फायर ह्यूमैन किसने लिखा मेरे बच्चे? तो केकेएन दारूवाला ने लिखा। केकेएन दारूवाला कैसे कवि हैं मेरे बच्चे? तो ये इंडो एंग्लियन है, ये तो भारतीय है ना मेरे बच्चे, ये ना तो ब्रिटिश है, ना अमेरिकन है, ना अफ्रीकन है, ये भारतीय है। इट वॉज द डैश ऑफ पीपल एलोंग विथ हिम पासिंग बाई द सरमेंस घाट, करेक्ट, इट वॉज डैश ऑफ द पीपल एलोंग विथ, कौन थे हमारे कवि के साथ जब वो किसी घाट के बगल से गुजर रहे थे? तो उनके पिताजी थे। इट वॉज द फादर ऑफ द पोएट, इनके कवि के पिताजी थे उनके साथ में जब वो घाट के बगल से गुजर रहे थे। आइए बच्चे, केकेएन दारूवाला वॉज डैश बाय रिलीजन, केकेएन दारूवाला क्या थे? तो ये हिंदू नहीं थे, ये क्रिश्चियन नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे, ये पारसी थे। क्या थे बच्चे? पारसी थे ये। केकेएन दारूवाला कंसिग्न हिज न्यू बॉर्न टू अ फ्लेम, है ना, न्यू बॉर्न टू फ्लेम, अपने उन्होंने नवजात पहला, है ना, केकेएन दारूवाला कंसिग्न हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम, है ना, आग के हवाले कर दिया था इन्होंने। द डैश फॉरगेट इट्स डेट, कौन अपनी काम को भूल गया था मेरे बच्चे? आग भूल गया था, तभी तो शमशान घाट पर शरीर के अधजले, है ना, अधपके, है ना, अधजले अंग दिखाई पड़ रहे थे, तो आग अपना काम करना भूल गया था। समटाइम्स इट लीव्स डेड बॉडी, है ना, लीव्स द डेड बॉडी, कभी कभी जलाना भूल जाता है मृत शरीर को, वो जलाना भूल जाता है। क्या आंसर होगा? फायर हो जाएगा। हु स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, कौन कसम खाते हैं कि अब से मैं आग को इस तरह के भूल करने से मैं बचाऊंगा, है ना, और मैं भी आग के हवाले मृत शरीर को नहीं करूंगा, क्योंकि हम दारू वाला ऐसा कसम खाते हैं, है ना। द पोएट बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, मेरे बच्चे जोरोस्ट्रेन को ही पारसी बोलते हैं, जोरोस्ट्रेन रिलीजन, है ना, डैश बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन, कौन जोरोस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते हैं? तो केकेएन दारूवाला जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं।
consigning his newborn son on flame took place dash years ago. Consigning his newborn son to flame took place dash years ago. जब वे नए बच्चे को अपना उनका जो नवजात शिशु था जो उनका पुत्र था उसको उन्होंने आग के हवाले कर दिया था. कितने साल पहले की ये घटना है? तो 20 साल पहले की घटना है. बच्चे याद रखेंगे ये काम उन्होंने 20 साल पहले किया था. Their nearest dash was thousands mile. कौन जो नजदीकी क्या था जो हजारों मील दूर था? तो nearest जो टावर ऑफ साइलेंस था वो हजारों मील दूर था. टावर ऑफ साइलेंस, nearest टावर ऑफ साइलेंस. टावर ऑफ साइलेंस क्या है? एक बहुत बड़ा चबूतरा की तरह बना रहता है, उस पर जाकर पारसी लोग मृत शरीर को छोड़ देते हैं चील कौवे को नोचने के लिए, खाने के लिए, है ना. तो ये जो टावर ऑफ साइलेंस था, साइलेंस था जहां कभी रहते थे वहां से हजारों मील दूर था, इसीलिए तो वो आग के हवाले कर दिए थे अपने बच्चे को. और यही सबसे बड़ी गुनाह हो गई थी उनसे, आग को उन्होंने दूषित किया था और इसलिए आग से बार बार स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे इसके लिए मुझे माफ कर दो. द वैंडरिंग घोस्ट लाइस्ट पासर्स बाई. तो ये जो आग की लपटे थी जो भूत की तरह लगती थी वो बगल से गुजरने वाले को डरा देती थी, है ना, डरा देती थी, बहुत डरावनी थी. क्योंकि अंधारू वाला वाज रिवार्डेड विद, क्योंकि अंधारू वाला को कौन सा सम्मान मिला था मेरे बच्चे? तो कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड, बहुत ये दोनों मिला था इन्हें. कौन सा? दोनों मिला था, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड और साहित्य अवार्ड दोनों मिला था इन्हें. क्योंकि अंधारू वाला को दोनों मिला था मेरे बच्चे. चलिए बच्चे आगे हम लोग बढ़ते हैं. ये हमारा कितना नंबर हो गया? ये हमारा 9 नंबर है ना, 8 और ये स्नेक, 8 नंबर 9, 10 ही तो पोएम है बस 9. एक और माइग्रेंट मदर्स हाउस को भी देख लेते हैं. स्नेक स्नेक स्नेक, आइए बच्चे स्नेक पे. जहां कभी दया दिखाते हैं स्नेक पर, है ना, स्नेक मतलब सांप है ना. डीएच लॉरेंस साहब ने लिखा था, एक बार की बात है ना, डीएच लॉरेंस साहब, गर्मी का मौसम था और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी उस दिन, और वो प्यास लगा और पानी पीने के लिए अपने जलपात्र की ओर आगे बढ़ते हैं सीढ़ियों से. जैसे ही घड़ा लेकर नीचे उतरते हैं देखते हैं उनसे पहले एक सांप वहां बड़े आराम से आ रहा है और वो पानी पीता है, और उसको वो देखते रहते हैं, इंतजार करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, है ना. तो इस मनमोहक दृश्य की चर्चा इस कविता में की गई है. और अंत में क्या करते हैं, जब वो बिल में पुनः चला जाता है पीकर वापस, बिना ना धन्यवाद कहे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो ये इनको लगता है कि वो अभी और रहता है यहाँ, काहे चला गया वो, इससे अभी बात करते, इसके सारे मनमोहक कारनामों को देखते. और ये जो जलपात्र था उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर जोर से मार देते हैं आवाज के साथ. ये आवाज से वो डर जाता है और जल्दी से अपने शरीर को बिल के अंदर समेट लेता है. बाद में कभी को बड़ा पछतावा होता है कि हमने सांप पर इतना दया दिखाया लेकिन अंतिम में हमने धैर्य खो दिया और उसे डरा ही दिया. तो ईश्वर ने जो हमें एक मौका दिया था किसी जीव के प्रति दया दिखाने का, वो मौका हमने गवा दिया. चलिए बच्चे स्नेक इन, इट इज अ फाइन पोएम कंपोज्ड बाय डीएच लॉरेंस साहब के द्वारा. ये जबरदस्त कविता की रचना की गई है जिनका जन्म 11 सितंबर 1885 को हुआ था. 11 सितंबर 1885 को इंग्लैंड के ईस्टवुड नॉटिंगम शायर में इनका, है ना, जन्म हुआ था. इंग्लैंड के ईस्टवुड नॉटिंगम शायर में डीएच लॉरेंस साहब का जन्म 11 सितंबर 1885 को हुआ था, है ना. ही वाज एन इंग्लिश राइटर, वो अंग्रेजी कवि, है ना, लेखक, कवि और उपन्यासकारक थे, है ना. वो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे और उपन्यासकारक थे. इनका जन्म 1885 में 11 सितंबर 1885 में नॉटिंगम शायर इंग्लैंड में हुआ था. नॉटिंगम शायर इंग्लैंड में हुआ था. He grew up amid the strife between his gentle and educated mother and coarse-minded father. करें इनका जो लालन पालन हुआ, इनकी शिक्षित और सुसज्जित एकदम सज्जन विनम्र माता और इनके अशिष्ट व्यवहार वाले पिता की जो बीच में झगड़ा होते रहती थी इनकी माँ और इनके पिता के बीच में, इस माहौल में इनका लालन पालन हुआ.
पिता जो थे वो प्याक थे, वो अशिष्ट व्यवहार करते थे इनकी माँ से। माँ शिक्षित थी, पढ़ी लिखी, सज्जन थी, तो इन दोनों के बीच की जो मनमुटाव थी ना, उन्हीं के बीच में उस माहौल में इनका लालन पालन हुआ। डीएच लायन एक्सलेट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ एंड डिनोंसेस द सेम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज लाइफ। इस कविता के माध्यम से डीएच लॉरेंस प्राचीन जीवन के मूल्यों को बुलंद करते हैं, गौरवान्वित करते हैं और आधुनिक सभ्य जीवन के खोखलेपन की निंदा करते हैं। आधुनिक जो जीवन है वो उसमें बहुत खोखलापन है और इसलिए इस खोखलेपन की वो निंदा करते हैं, निंदा करते हैं मेरे बच्चे। हिज इंपॉर्टेंट बुक्स आर द वाइट पीकॉक, सन एंड लवर्स, द रेनबो। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या है? द व्हाइट पीकॉक, सन एंड लवर्स एंड द रेनबो, है ना। इनकी मृत्यु 2 मार्च 1930 को, है ना, वेंस फ्रांस में हो गई थी। इंग्लैंड में जन्म हुआ लेकिन कहां मृत्यु हुई? फ्रांस में मृत्यु हुई। किनकी? डीएच लॉरेंस साहब की। मृत्यु कब हुई? 1930 में फ्रांस में मृत्यु हुई। आइए बच्चे देखते हैं ऑब्जेक्टिव। हम लोग अ स्नेक इज रिटन बाय, किसके द्वारा ये स्नेक लिखा गया मेरे बच्चे? डीएच लॉरेंस के द्वारा। इन डैश इट इज बिलीव दैट, कहां ऐसा विश्वास किया जाता, माना जाता है कि सुनहरे रंग का सांप बहुत विषैला होता है लेकिन जो काला रंग का सांप होता है वो निर्दोष होता है। सिसली में मेरे बच्चे, ये द्वीप है। सिसली क्या है बच्चे? एक द्वीप है। वहां के लोग ऐसा मानते हैं कि काला सांप निर्दोष होता है और सुनहरे सांप बड़ा ही विषैला होता है। इंटा इज इन सिसली, इंटा इज इन सिसली, रोम, एथेंस, पेरिस, सिसली, है ना। आइए बच्चे, विच ट्री इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक। ये जो पोएम है स्नेक नामक जो कविता, उसमें कौन सा पेड़ की चर्चा है? पीपल का, करोब ट्री का, बन, है ना, बनवन का, मैंगो का, कौन सा? जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चे। जल्दी बताएंगे मुझे बच्चे। क्रोव ट्री की चर्चा की गई, क्रोव ट्री की चर्चा की गई है ना, जो जिससे सुगंध आता है ना। हु केम टू हेल, हु केम टू द लॉरेंस वाटर ट्रोक, कौन आया था जो हमारे कवि लॉरेंस के जलपात्र के पास आया था? तो वो सांप था, स्नेक आया था। द पोएट बाज बियरिंग, उस समय कवि क्या पहने हुए थे? लुंगी पहने हुए थे, नहीं पैंट, नहीं पैजामा पहने हुए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा था तो पैजामा पहने हुए थे, है ना। द पोएट कंपास द स्नेक टू डैश वर्ड अल्टर एल्बस्ट्रॉस, किस चिड़िया से इसकी कंपेयर किया, तुलना किया है? तो सी वर्ड से, समुद्री, है ना, चिड़िया जो है एल्बट्रॉस से इनकी तुलना किया, क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल से दिखती है, सांप भी बहुत मुश्किल से दिखा था, है ना। द स्नेक सीम्स लाइक ए डैश इन एक्साइल, लाइक ए किंग इन एक्साइल, मेरे बच्चे बनपास का राजा है वो सांप, है ना। अब तो ऐसे भी लोग कहावत कहते हैं ना कि शेषनाग के ऊपर ही धरती टिका हुआ है ना, तो धरती का राजा है ये किंग, ये सांप। द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज, स्नेक कहां मिला था हमारे कवि को, किसके नजदीक मिला था मेरे बच्चे? वाटर ट्रो के पास मिला था। द डोमिनेंट बिलीफ अबाउट येलो स्नेक इन सिसली इज दैट इट इज, मतलब कह रहा है क्या, समझिएगा कि डोमिनेंट बिलीफ, ये जो विश्वास है कहां येलो सांप के बारे में, येलो स्नेक, येलो सांप के बारे में सिसली में, वो क्या विश्वास, वो चर्चा हो रही है। वो विश्वास क्या है कि येलो सांप जो है ना वो बहुत विषैला होता है, जहरीला होता है, इनोसेंट बिल्कुल नहीं, विनोमस होता है, जहरीला होता है, ऐसा विश्वास है सिसली येलो स्नेक के बारे में। फ्रॉम वेयर द स्ट्रेंज सेंट वाज कमिंग, कहां से विचित्र तरह का सुगंध आ रहा था? तो फ्रॉम क्रोब ट्री से, है ना, क्रोब ट्री से आ रहा था। द पोएट थ्रू द डैश एट वाटर ट्रो, द पोएट थ्रू द क्लुम्सी लॉग, लकड़ी का एक थोड़ा सा टुकड़ा, लकड़ी का एक टुकड़ा मतलब जलपात्र पर कस के मार के फेंक देते हैं, आवाज के साथ पानी पर छपाक सा फेंकते हैं, है ना। द पोएट थ्रू क्या, क्लुम्सी लॉग, लकड़ी का टुकड़ा होता है। द स्नेक
लुक्ड एट द पोएट वैगुअली, है ना, बड़े ही एकदम बहुत ही धीरे धीरे एकदम भगवान की तरह वो देख रहा था, वैगुअली देख रहा था, है ना। अस्नेह जो है हमारे कवि की तरह कैसे देख रहा था, वैगुअली, बहुत सेंसिटिव था, बहुत ध्यान पूर्वक देख रहा था। थ्रू अस्नेह द पोएम पोएट ट्राइड टू एक्सलेट द वैल्यू ऑफ डैश लाइफ, इस सांप नामक कविता के माध्यम से कवि ने क्या दर्शाने की काम किया, तो एक्सलेट द वैल्यू ऑफ डैश लाइफ, मॉडर्न लाइफ मीन आर्टिफिशियल प्रिमिटिव लाइफ। जल्दी से बताएंगे बच्चे, 14 नंबर का आंसर बताएंगे हमें, किस लाइफ की। इस देखिए कविता के माध्यम से कवि ने वर्तमान जीवन के खोखलेपन को दर्शाया है कि हम सोचते तो जरूर हैं, कहते तो जरूर हैं कि हमें दूसरे प्राणियों के प्रति दया दिखाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। यहाँ हो जाएगा प्रीमिटिव लाइफ, है ना। थ्रू स्नेक पोएम द पोएट ट्राई टू एक्सलेट द वैल्यू ऑफ प्रीमिटिव लाइफ, क्लियर। चलिए बच्चे अब हम लोग लास्ट प्रॉपर हैं और ये रहा दसवां कविता, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, जिसे कमला दास ने लिखी है, है ना। ये भी इंडियन पोएट है, इट इज अ वेरी फाइन पोएम, बहुत ही जबरदस्त कविता है, कंपोज्ड बाय ग्रेट इंडियन इंग्लिश पोएट एंड नोवेलिस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर, है ना, कौन, कमला दास। कमला दास क्या है बच्चे, कवित्री भी हैं, नोवेलिस्ट उपन्यासकारक भी हैं और लघु कहानीकारक भी हैं, जिनका जन्म 31 मार्च 1934 को, है ना, 31 मार्च 1934 को पुनायुकुलम त्रिशूल डिस्ट्रिक्ट केरला में, यानी केरल के त्रिशूल जिला के पुनायुकुलम नामक जगह पर इनकी जन्म हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल के त्रिशूर जिला में, पुनायुकुलम एक जगह का नाम है, जहाँ 31 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ था। इनकी जो नाम थी, जिनसे लोग पुकारते थे इनको, पेन नेम जिसको कहते हैं, पुकारो नाम माधवी कुट्टी और बाद कमला सुरैया और बाद में जाकर ये क्या बन गई, कमला दास। माधवी कुट्टी के नाम से भी ये जानी जाती थी, कमला सुरैया से भी पुकारी जाती थी और बाद में ये फेमस हो गई कमला दास के नाम से फेमस हो गई। मेरे बच्चे, सी गॉट मैरिड एट बैंक मैनेजर, सी गॉट मैरिड टू ए बैंक मैनेजर के माधव दास, कमला दास की शादी एक बैंक मैनेजर जिनका नाम था के माधव दास, उनसे मात्र 15 वर्ष की थी उसी समय इनकी मृत्यु, सॉरी मृत्यु में बोल रहा हूं, बहुत बड़ा मिस्टेक, सी गॉट मैरिड, इनकी शादी हुई थी कब, जब ये मात्र 15 साल की थी, तब इनकी शादी किनसे हो गई थी, बैंक मैनेजर के माधव दास से, बैंक मैनेजर थे जिनका नाम था के माधव दास, उनसे, क्योंकि उस समय कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो कमला दास मात्र 15 साल की थी, उसी समय इनकी शादी एक बैंक मैनेजर, बैंक अधिकारी के माधव दास से कर दी गई थी। हर मदर बाज द वेल नोन मलयालम पोएट, इनकी जो माँ थी वो मलयालम की जानी मानी कवित्री थी, है ना, जिनका नाम था बालामानी अम्मा, जिनका नाम क्या था, बालामानी अम्मा, बालामानी अम्मा, इनकी माँ का नाम बालामानी अम्मा और इनके पिता का नाम वीएम नायर, इनके पिता का नाम क्या था, वीएम नायर, है ना, माँ का नाम बालामानी अम्मा, पिता का नाम वीएम नायर, है ना। माँ जो थी ना वो केरल में जो भाषा बोला जाता वो मलयालम है, तो मलयालम की जानी मानी कवित्री थी, इनके घर में ही कविता लिखने का माहौल था, माँ खुद कवित्री थी, उनका नाम था बालामानी अम्मा और इनके पिता का नाम था वीएम नायर, वो कोलकाता के एक वालफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी में सीनियर ऑफिसर थे, है ना, सीनियर ऑफिसर थे कोलकाता के वालफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी में, कुछ अधिकारी थे, सीनियर, है ना, ऑफिसर थे। शिवाज डाइड ऑन 31 मई 2009, कमला दास की मृत्यु 31 मई 2009 को 75 साल की उम्र में, है ना, पुणे के एक हॉस्पिटल में हो गई थी, उन्हें 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी जब वो 75 साल की थी, और मृत्यु कहाँ हुई, पुणे के एक अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई। हर पोएट्री इज ऑटोबायोग्राफिकल, इनकी ये जो कविता है ना माई ग्रैंड मदर्स हाउस, वो इनकी आत्मकथा पर लिखा हुआ है, आत्मकथा पर लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफिकल ये पोएम है। शिवाज कॉल्ड द मदर ऑफ मॉडर्न, कमला दास को क्या कहा जाता था कि मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री,
मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, है ना, इंडियन इंग्लिश पोएट्री, मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। यानी इसे क्या कहा जाता था कि भारतीय अंग्रेजी कविता की जननी, भारतीय अंग्रेजी कविता की जननी कही जाती थी कमलादास। आइए अब देखते हैं इनका ऑब्जेक्टिव सवाल बच्चे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाई कमलादास। कमलादास रिमेंबर द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर। कमलादास याद करती है दादी माँ के साथ बिताए हुए उन दिनों को। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज डैश पोएम, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, उनके खुद के जीवन पर आधारित है मेरे बच्चे। द हाउस वेंट इन टू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ, किनके मृत्यु के कारण घर एकदम सन्नाटा छा गया घर में, ग्रैंड मदर। द थीम ऑफ द पोएम कमलादास इज, कमलादास के पोएम का थीम क्या था, लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट एंड ग्रीड, ऑल ट्रू हंगर, नहीं बच्चे ये है ना, लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, प्यार ऐसा चीज होता है जो लोग तो चले जाते हैं लेकिन प्यार मरता नहीं है, उसे भुलाया नहीं जाता है, लगाव नहीं हट सकता है किसी के प्रति अगर हो जाए तो, हमेशा यादों में रहते हैं वो। कमलादास इज बेस्ट पोएट्रेस इंडियन मेरे बच्चे, कमलादास चूंकि केरल की थी तो इंडियन है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए डैश पोएम, माई मदर्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए है ना हैप्पी मेमोरी पोएम, चूंकि अच्छे दिनों की याद के लिए याद करते हुए लिखा गया था, हैप्पी मेमोरी पोएम। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमलादास, कमलादास की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए, समर इनपोर्ट का था है ना, माई स्टोरी। कमलादास की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है बच्चे, माई स्टोरी, इन्होंने लिखा थी अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है माई स्टोरी। क्या नाम है बच्चे, माई स्टोरी। कमलादास की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माई स्टोरी। क्या है मेरे बच्चे, माई स्टोरी, माई स्टोरी। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कैसा पोएम है मेरे बच्चे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कैसा पोएम है मेरे बच्चे, जल्दी बोलेंगे कैसा पोएम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना, हैप्पी मेमोरी पोएम है। ऑटोबायोग्राफी कमलादास का नाम क्या है, तो माई स्टोरी इनकी जीवनी का नाम है। क्लियर, आइए बच्चे। कमलादास हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ, कमलादास दोनों जगह पर एक बहुत सम्मानजनक इज्जत प्राप्त किया है ना, मलयालम में भी खूब कविताएं लिखी, वहां भी सम्मान खूब प्राप्त किया है ना, और किस क्षेत्र किस लिटरेचर में सम्मान बहुत ज्यादा प्राप्त किया, तो मलयालम में किया और इंग्लिश में किया, तो इंग्लिश तो यहाँ मेंशन है, इसका मतलब मलयालम की चर्चा यहाँ करना है हमें, है ना। कमलादास वाज वंस शॉर्ट लिस्टेड, कमलादास को एक बार शॉर्ट लिस्टेड किया गया था 1984 में, किस पुरस्कार के लिए मेरे बच्चे, तो नोबेल प्राइज के लिए किया गया था, किस लिए किया गया था, नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें शॉर्टलिस्टेड किया गया था कमलादास को। इस तरह से ये आपका पूरा प्रोज और पोएट्री हमने कंप्लीट कर दिया। केवल स्थिर से ये वीडियो आप देखेंगे, एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, 100-100 ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहे हैं और मात्र उसमें से 50 सही बनाने हैं, तो आपको ये 50 में 50 डन करके आना है मेरे बच्चे, और जितना मैं पढ़ाया हूं बस उतना ही पर ध्यान देना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव तो आपका इधर क्लियर, सब्जेक्टिव में ध्यान देना बच्चे, पैसेज अच्छे से पढ़ना और पैसेज का आंसर ठीक से करना, है ना। अगर पैसेज ज्यादा हार्ड आपको दे दे, नहीं समझ में आए, तो आप प्रेसी राइटिंग करना, दो दो पैसेज मिलेगा, एक तो पैसेज से क्वेश्चन सोल्व करना है और दूसरा प्रेसी रहेगा जिसको सब संक्षेपण करने मैंने सिखाया था, वो अगर आपको करना है बहुत आसान है, वो एकदम कर देना, 4 नंबर ले लेना है आपको, फिर लेटर लिख देना है बच्चे 5 नंबर का, लेटर और एप्लीकेशन जो मैंने दिया है गेस्ट क्वेश्चन, उसमें उसके मदद से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, उसके मदद से प्रैक्टिस करना है, वहां एकदम लिख देना है। कुछ चीजें तो कॉमन रहती है लेटर एप्लीकेशन में, बीच का जो सब्जेक्ट है वही तो चेंज करना है आपको। एक्सप्लेनेशन मैंने पोएम का और कहानी के लाइन का सिखाया था, वो एक्सप्लेनेशन जरा सा रिपीट कर लेना, एक दो देख लेना कैसे लिखा जाता है, वो खाली समझ लेना, बस कुछ नहीं, आप बैठोगे आराम से बढ़िया करके आओगे, है ना।
और जैसे ही एग्जाम से आना मेरे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप पर आप रिप्लाई देना, आप रिप्लाई देना कि आपने अच्छा किया कि नहीं। मेरे बच्चे क्वेश्चन डाल देना मेरे व्हाट्सएप पर, है ना, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। आप क्वेश्चन डाल देना, रिप्लाई देना, रिव्यू देना आप बढ़िया कि आपने अच्छा गया कि नहीं आपका एग्जाम। और आई थिंक है ना, माता रानी की कृपा है ना, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद से आपका एग्जाम बहुत जबरदस्त जाएगा, एकदम बिल्कुल कल आप खुश होकर आएंगे। इसी वादा के साथ, इसी शुभकामनाएं के साथ बच्चे मिलते हैं हम लोग अगले है ना वीडियोज में। चलिए।